तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और ड्रैगन बॉल की मूवी लेकर आया हूं। ये मूवी है ड्रैगन बॉल आफ्टर की। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें गोकू ईवल बन जाता है। इस स्टोरी की स्टोरी लाइन शुरू हो रही है ड्रैगन बॉल जी के एंड में, जब गोकू ऊप को ट्रेन कर रहा होता है और तभी उसके सर पर चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो ईवल बन जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है यंग जीजी ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करें अपने वीडियो पर आते हैं। गोकू ऊप के विलेज में चला जाता है ताकि वो ऊप के घर के पास ही उसे ट्रेन कर सके। वो ऊप को इसलिए ट्रेन करना चाहता है ताकि ऊप बड़ा होकर धरती का रक्षक बन सके। इसी के साथ ड्रैगन बॉल की स्टोरी एंड हो गई थी और इसी के आगे से हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है। गोकू और ऊप दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बहुत सारा समय बीत चुका है और अब ऊप भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। दोनों में बहुत ही ज़्यादा घमासान लड़ाई चल रही है। गोकू ऊप पर एक बहुत ही बड़ा हमला करता है और ऊप उससे अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। गोकू ऊप को एक बहुत ही ज़ोरदार किक मारता है और इसके बाद गोकू बोलता है कि इस लड़ाई को ख़त्म करने का समय आ गया है। ऊप भी अटैक के लिए तैयार हो जाता है और गोकू और ऊप दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। ऊप किड बू का पुनर्जन्म है तो इसलिए वो एटलीस्ट सुपर सैयन 3 जितना ताकतवर है और गोकू इस वक्त अपनी सुपर सैयन 2 की फॉर्म में है। ऊप अपने पोटेंशियल को बाहर लेकर आ जाता है और एक सेकंड के लिए वो गोकू से ज़्यादा तेज हो जाता है और एकदम से गोकू के पीछे जाके उसकी गर्दन पर बहुत जोर का अटैक करता है। ऐसा लगता है कि गोकू इस अटैक के लिए तैयार नहीं था और इसलिए उसकी जान निकल जाती है और वो एकदम से ज़मीन की तरफ गिरने लग जाता है। ऊप अभी समझा नहीं है कि हुआ क्या है तो वो गोकू पर दोबारा अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर जैसे ही वो गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है वो देखता है कि गोकू बहुत ज़्यादा पेन में है और उसके अंदर से ईवल एनर्जी निकल रही है। ऊप गोकू से पूछता है कि मास्टर, क्या आप ठीक हैं। गोकू बहुत ही शांति से खड़ा हो जाता है और जैसे ही गोकू मुड़ के देखता है उसके चेहरे पर एक बहुत ही ईवल स्माइल होती है। ऊप गोकू से बोलता है कि क्या आप ठीक हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी गोकू एकदम से पावर अप करने लग जाता है और ऊप समझ जाता है कि सच में कोई गड़बड़ है। गोकू ऊप पे अटैक करने ही वाला होता है और ऊप अटैक को सहन करने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है, पर एकदम से गोकू के सर में फिर से दर्द होने लग जाता है और एकदम से उसे याद आता है कि वो कौन है। जैसे ही गोकू को याद आता है कि वो कौन है, वो ऊप को बोलता है कि तुम्हारा लास्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, मैं कुछ सेकंड के लिए बेहोश सा हो गया था। गोकू ऊप को थैंक्स बोलता है कि उसे ट्रेन करने का मौका मिला। ऊप बोलता है कि मास्टर, मैं आपकी वजह से इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। इसके बाद गोकू ऊप से कहता है कि ऊप, मैं जो तुम्हें सिखा सकता था तुम्हें सिखा चुका हूँ, अब यहाँ से तुम्हें आगे खुद जाना है, तुम्हारी ट्रेनिंग कम्प्लीट हो चुकी है, ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहो, मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन मुझे भी पीछे छोड़ दोगे। गोकू ऊप से बोलता है कि अब तुम घर जाओ, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। ऊप गोकू द्वारा थैंक्स बोलता है। गोकू बोलता है कि तुम और ज़्यादा ताकतवर बनो और जब तुम और ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे हम दोबारा लड़ेंगे, अब मुझे भी अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए और यहाँ से हमें गुड बाय कहना पड़ेगा। इसके बाद ऊप वहाँ से चला जाता है और गोकू अपनी फैमिली के बारे में सोचने लग जाता है। वो सोच रहा होता है कि उसने ऊप को इतने सालों से ट्रेन किया है, पता नहीं उसकी फैमिली वाले क्या सोच रहे होंगे। जैसे ही गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करने वाला होता है और अपनी फैमिली के पास जाने वाला होता है, उसके सर में ज़ोर से दर्द होता है और उसके अंदर से फिर से ईवल एनर्जी निकलने लग जाती है। गोकू के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा बड़ा था कि पिकलो को कामे के प्लेस पे भी ये एनर्जी महसूस होती है। वेजिटा भी समझ जाता है कि कैकरोड के साथ कोई गड़बड़ है। वेजिटा गोकू की एनर्जी की तरफ तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। किंकाई के प्लैनेट पर भी उन्हें यह सब कुछ महसूस हो रहा होता है। वो बोलते हैं कि इस बारी जो हो रहा है ये हर बारी से अलग है और इस बारी मुझे नहीं लगता कि कोई होप बाकी है। गोकू के चेहरे पर फिर से वही ईवल स्माइल आ जाती है जो पहले आई थी। ऊप गोकू से थोड़ा दूर निकल गया होता है और इसीलिए वो गोकू की तरफ वापस आ रहा होता है। वो बोलता है कि मास्टर की एनर्जी बहुत ही अलग लग रही थी, पता नहीं क्या हुआ होगा। पर तभी गोकू एकदम से आता है और अचानक से ही गोकू को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है। ऊप समझ ही नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। वो बोलता है कि मास्टर, आप क्या कर रहे हैं, क्या ये ट्रेनिंग का कोई पार्ट है, आप वहाँ पर चुपचाप क्यों खड़े हैं, मुझे जवाब दो। इसके बाद गोकू अपनी सच्चाई बताता है। वो बोलता है कि बच्चे, क्या तुम पागल हो, मैं गोकू नहीं हूँ, मैं सैयन वॉरियर कैकरोट हूँ,
गोकू के सर पे बहुत ज़ोरदार चोट लगने की वजह से वो सब कुछ भूल गया है और उसे बस ये याद है कि वो कैकरोट है और वो धरती को तबाह करने और धरती पे रहने वालों को तबाह करने के लिए यहाँ पर आया है। गोकू पावर अप करता है और ऊप की तरफ तेज़ी से बढ़ता है। ऊप कैकरोट के पहले अटैक से तो खुद को बचा लेता है पर कैकरोट उसे दूसरा अटैक करने में कामयाब हो जाता है और ऊप को एक बहुत ज़ोरदार गुस्सा मारता है। ऊप कैकरोट से दूर जाने की कोशिश करने लग जाता है पर कैकरोट उसके पीछा करने लग जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे भाग नहीं पाओगे। ऊप बहुत तेज़ी से दूर भाग रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, इस वक्त मुझे तो क्या वो खुद को भी नहीं पहचान रहे हैं, मुझे ये बात गोहान को और बाकी लोगों को बतानी होगी। पर वो अपने आप को कैकरोट क्यों बोल रहे हैं, आखिर कैकरोट है कौन? जैसे ही ऊप ये सब कुछ सोच रहा होता है कैकरोट उस पर एक की ब्लास्ट कर देता है जो कि ऊप की छाती चीर के चला जाता है। इस अटैक से ऊप बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है पर वो बेहोश नहीं होता। कैकरोट उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। कैकरोट ऊप से बोलता है कि बच्चे मुझे लगता है कि तुम सच में कोई बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम उससे भाग पाओगे? ऊप बोलता है कि लगता है कि इस बारी मुझे फाइट करनी ही पड़ेगी। कैकरोट ऊप से बोलता है कि अगर तुम एक शिकार की तरह भागोगे तो तुम एक शिकार की तरह मारे भी जाओगे। ऊप अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा खून बहुत तेज़ी से बह रहा है, अगर ये फाइट लंबी चली तो मैं वैसे भी हार जाऊँगा, मुझे जल्दी से अटैक करना चाहिए। इसके बाद ऊप कैकरोट पर अटैक करने के लिए तेज़ी से बढ़ता है और कैकरोट अपने अगले अटैक के साथ तैयार होता है और वो ऊप पर एक की ब्लास्ट करता है। ऊप कैकरोट के उस अटैक से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और एकदम से कैकरोट के पीछे चला जाता है और एक की ब्लास्ट बनाकर उस पर अटैक करता है। कैकरोट बोलता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सा था। वो उस अटैक को जैसे ही रोकने वाला होता है उसके सर में तेज़ी से दर्द होने लग जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है और ऊप का अटैक आके उसे लग जाता है। इसके बाद ऊप सोचने लग जाता है कि आखिर गोकू के साथ हुआ क्या है। वो सोच रहा होता है कि मैंने उनके सर पर एक बहुत ज़ोरदार अटैक किया था, क्या उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ताकि गोकू को दोबारा से सब कुछ याद आ जाए वो गोकू को पुकारता है और कैकरोट को ये बात बुरी लग जाती है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आ रहा, मैं हूँ कैकरोट। ऊप सोच रहा होता है कि मास्टर के अंदर पर्सनैलिटीज बार बार बदल रही हैं और वो आपस में लड़ रही है, हो सकता है वो अपने मास्टर को बचा पाए। कैकरोट फिर से पावर अप करने लग जाता है और तेज़ी से ऊप की तरफ बढ़ने लग जाता है। ऊप और कैकरोट में बहुत ही घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और इसमें ऊप हार रहा होता है क्योंकि उसे ऑलरेडी चोट लग चुकी है। कैकरोट ऊप को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है। अब ऊप को समझ आ जाता है कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं है क्योंकि गोकू हर अटैक मारने के इंटेंट से कर रहा है। ऊप का लड़ाई से ज़रा सा ध्यान बढ़ते ही कैकरोट ऊप को मार देगा। कैकरोट ऊप से बोलता है कि ऊप मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे लगा था कि तुम्हारे फाइटिंग स्किल्स अच्छे होंगे, मुझे तुमसे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन थी पर ये सब कुछ बेकार निकला। ऊप समझ जाता है कि कैकरोट उसे मारने वाला है। कैकरोट बोलता है कि तुम्हारे पास लड़ने का चांस था पर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को सामने देख के ऊप अपने अंदर की असली ताकत को बाहर लेकर आता है। ऊप अपने अंदर से किडबू की ताकत को निकालता है और ये चीज़ फैटबू को भी महसूस जाती है। कैकरोट ये देख के खुश हो रहा होता है कि ऊप अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और वो बोलता है कि अब मुझे एक्साइटमेंट फील हो रही है। ऊप अपनी फुल ताकत के साथ कैकरोट की तरफ बढ़ रहा होता है और कैकरोट बोलता है कि इस बारी मुझे निराश मत करना ऊप, और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ऊप इस बारी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है पर गोकू अभी भी सुपर सैयन 2 लेवल पर ही होता है। ऊप अपनी इस फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है और कैकरोट ये समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर ऊप इतनी ज़्यादा तेज़ कैसे हो गया। कैकरोट बोलता है कि भले ही तुम इस वक्त बहुत ही तेज़ और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो पर तुम्हारे सारे अटैक्स बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हैं। तभी कैकरोट के सर में दोबारा दर्द होने लग जाता है और ऊप इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कैकरोट को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है। ऊप बोलता है कि ये समय मरने या मारने का है। ऊप अपनी फुल ताकत के साथ कैकरोट के पास जाता है ताकि वो कैकरोट को एक ही अटैक में ख़त्म कर सके। इस वक्त ऊप के पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो कैकरोट को यहीं पर ख़त्म कर सकता है पर एकदम से ऊप को सब कुछ याद आने लग जाता है कि कैसे गोकू ने उसे ट्रेन करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था और इतना समय उन लोगों ने साथ बिताया है। भले ही गोकू ऊप का ट्रेनर रहा हो पर वो उसके पिता समान है, इसलिए ऊप उस पर अटैक करते करते रुक जाता है। ऊप बोलता है कि मैं ये आपके साथ नहीं कर सकता और कैकरोट को इसी चीज़ का इंतज़ार था। वो एकदम से इस मौके का फ़ायदा उठाता है और ऊप की छाती चीर देता है। ऊप को विश्वास ही नहीं होता कि उसके अपने मास्टर ने उसके साथ ये किया है और इसी के साथ ऊप ख़त्म हो जाता है। ऊप को मारने के बाद कैकरोट बोलता है कि अगर तुम आखिरी समय में घबराए नहीं होते तो तुम मुझे हरा सकते थे। तुम्हारी बॉडी भले ही स्ट्रांग है पर तुम्हारा माइंड वीक है और इसीलिए तुम हार गए। जैसे ही ऊप ज़मीन से टकराने वाला होता है वेजिटा वहाँ पे आ जाता है और ऊप को गिरने से बचा लेता है। वो ऊप को देखता है और बोलता है ये बच्चा तो शायद किडबू की रीइंकार्नेशन थी।
तभी कैकरोट वहाँ पे आ जाता है और वेजिटा कैकरोट से पूछता है कि आखिर ये क्या है कैकरोट, मुझे बताओ कि तुमने ये क्यों किया। वेजिटा कैकरोट से बोलता है कि मुझे तुम्हें देखे हुए काफ़ी समय हो गया है पर तुम पहले से काफ़ी खतरनाक लग रहे हो। तभी कैकरोट पावर अप करने लग जाता है और वेजिटा को ये अजीब लगता है। कैकरोट बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, अब चुप हो जाओ और मेरे साथ फाइट करो वेजिटा। इसके बाद वेजिटा भी पावर अप करता है, वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ पर मुझे तुम्हारे से फाइट करने में मज़ा आएगा। कैकरोट बोलता है कि जब हम लोग माजिन बू से लड़े थे तुम्हारी और मेरी ताकत में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि आज तो तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो कैकरोट, अब अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ लड़ाई करो। इसके बाद दोनों ही वॉरियर्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों ही सुपर सैयन 2 फॉर्म में होते हैं। इसके बाद कुछ अजीब सा होता है, वेजिटा एक बहुत ही बड़ा सा अटैक एकदम से कैकरोट पे कर देता है और ये अटैक कैकरोट आराम से देख लेता है इसलिए वो उसे बड़े आराम से डॉज कर देता है। इसके बाद कैकरोट बोलता है कि वेजिटा ये किस तरीके का अटैक था, ये बहुत ही कमज़ोर अटैक था, मुझे लगा था कि तुम इससे बेहतर होगे। वेजिटा कहता है कि चलो मेरे पीछे चलो कैकरोट, हम वहाँ पे जाके लड़ेंगे। इसके बाद कैकरोट वेजिटा का पीछा करने लग जाता है और हमें समझ आता है कि वेजिटा ने एक वीक अटैक क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पे बू आ गया था ताकि वो ऊब की बॉडी को वहाँ से लेके जा सके और फैट बू को बचाने के लिए वेजिटा ने वीक अटैक किया था। थोड़ी दूर जाने के बाद वेजिटा अचानक से रुक जाता है और कैकरोट वेजिटा से बोलता है कि क्या हुआ वेजिटा, तुम थक गए क्या। दोनों ही वॉरियर्स आमने सामने खड़े हो जाते हैं और कैकरोट वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी और मेरी ताकत में अभी कोई फ़र्क आया है, तुम अभी भी उतने ही कमज़ोर हो जितने तुम पहले कमज़ोर थे। वेजिटा बोलता है सही कहा कैकरोट, तुम भी अभी उतने ही ताकतवर हो जितने तुम पहले थे, तुमने ऊप को इतना ज़्यादा ट्रेन किया उसके बाद भी तुम्हारी ताकत जरा सी भी नहीं बढ़ी है। कैकरोट बोलता है कि हम दोनों के लड़ाई के स्किल्स बराबर हैं तो जिसकी भी ताकत ज़्यादा होगी वो ये लड़ाई जीत जाएगा। वेजिटा बोलता है सही कहा पर अगर हम दोनों सेम स्टेज पर होंगे तभी। इसके बाद वेजिटा पावर अप करता है और मास्टर सुपर सैयन 2 में चला जाता है और इस फॉर्म को वेजिटा कहता है नाइट सोल वेजिटा। कैकरोट बोलता है कि ये फॉर्म तो माजिन वेजिटा जैसी लग रही है। वेजिटा बोलता है तुम बेवकूफ हो कैकरोट, ये फॉर्म भले ही माजिन वेजिटा की तरह लगती है पर मुझे अब बाबिटी के ब्लैक मैजिक की ज़रूरत नहीं है। कैकरोट बोलता है कि मुझे देख के खुशी हुई वेजिटा कि तुमने सुपर सैयन 2 की स्टेज को मास्टर कर लिया है, तुम हमेशा से इकलौते थे जो मेरी ताकत के आसपास थे और इसी वजह से तुम इकलौते हो जो मेरे रास्ते में खड़ा है। इसके बाद कैकरोट वेजिटा पर अटैक कर देता है और वेजिटा बोलता है कि कैकरोट तुम हमेशा से ही मुझे नीचा दिखाते आए हो और आज ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कैकरोट और वेजिटा में दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही सैयन वॉरियर्स एक दूसरे पर लातों और गुस्सा की बरसात कर रहे होते हैं, दोनों ही बेरहमी से एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। दोनों में ही लड़ाई बहुत ही टक्कर की चल रही होती है क्योंकि दोनों ही सुपर सैयन 2 लेवल पे होते हैं और दोनों की ही पावर बहुत ज़्यादा मैच्ड होती है और दोनों के स्किल्स भी बिल्कुल बराबर जैसे ही हैं। अचानक से ही दोनों एक दूसरे से फाइट करते करते रुक जाते हैं और कैकरोट बोलता है कि ये लड़ाई मेरे एक्सपेक्टेशन से अच्छी चल रही है, हम दोनों ही सुपर सैयन 2 लेवल पर हैं और हम दोनों की पावर में बहुत ज़्यादा गैप था जो तुमने अब पूरी तरीके से भर लिया है, अब हम दोनों की ताकत पूरी तरीके से बराबर है। इसके बाद कैकरोट वेजिटा को एक फाइटिंग जीनियस बोलता है। वेजिटा बोलता है कि काश ये बात मैं मान सकता कैकरोट पर तुम एक फाइटिंग जीनियस हो, जब हम लोग माजिन बू के खिलाफ लड़ रहे थे तब मैं ये बात मानने पर मजबूर हो गया कि तुम मेरे से एक बेहतर फाइटर हो, मुझे पता भी नहीं चला और हम दोनों की ताकत में गैप इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं ताकत के मामले में तुमसे बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। ये बात मुझे शायद सेल गेम्स के टाइम समझ आई जब तुम टाइम चेंबर से बाहर आए थे, जब तुम उस रूम से बाहर आए थे तुम बिल्कुल ही अलग इंसान लग रहे थे, तुमने सुपर सैयन 1 को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया और सुपर सैयन 1 में जो स्टेमिना ड्रेन होता है उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। मेरे बेटे ट्रंक्स ने अपनी ताकत एकदम से बढ़ाने का तरीका तो ढूंढ लिया पर उसने स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जिसकी वजह से वो हार गया। जब तुम सेल से लड़े तुमने सुपर सैयन 1 की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और सुपर सैयन 1 स्टेज 4 पर चले गए और तुम्हारा बेटा वो तो उससे भी आगे निकल गया और सबसे पहला सुपर सैयन 2 बन गया। मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही तुम दोनों से बुरी तरीके से हार गए और इसी गैप को पूरा करने के लिए मैं उस बाबड़ी के चक्कर में आ गया और अपने रेज को बाहर लाने के लिए उसके ब्लैक मैजिक के आगे खुद को सरेंडर कर दिया पर तुम उससे फिर से आगे निकल गए और सुपर सैयन 3 की ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया। चाहे मैं अपनी बॉडी को कितना भी ज़्यादा पुश करूँ और कितने भी सेक्रीफाइस करता रहूँ पर मैं हमेशा तुमसे पीछे ही रह जाता हूँ। तो माजिन बू से लड़ाई ख़त्म होने के बाद मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग का तरीका समझने की कोशिश करी ताकि मैं उसे खुद पर भी अप्लाई कर सकूँ। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वेजिटा कोरिन टावर पर जाता है, वो बिना देरी करे कैरिन टावर के टॉप तक पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके मास्टर कैरिन से मिलता है। वो कैरिन से पूछता है कि क्या आप ही मास्टर कैरिन हैं और कैरिन बोलता है
कि हाँ तुमने सही कहा। वेजिटा कैरिन से बोलता है कि कैरिन तुम समझ ही गए होगी कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं वही ट्रेनिंग चाहता हूँ जो तुमने कैकरोट को दी थी। मुझे जल्दी से वो अल्ट्रा डिवाइन वाटर दो। मास्टर कैरिन इस बात के लिए मना कर देते हैं। वेजिटा ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैकरोट झेल सकता है और मैं नहीं झेल सकता। कैरिन बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करूँगा, पर तुम टावर पर उड़कर आए हो और ये चीज़ गलत है। वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, सीधा बोलो कि तुम चाहते हो कि मैं टावर पर चढ़कर आऊँ। वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो कैरिन पर अटैक करने वाला है। तभी कैरिन बोलता है कि गोकू ने तो ये किया था। ये सुनते ही वेजिटा एकदम से शांत हो जाता है और कैरिन से बोलता है कि क्या सच में कैकरोट ने ये किया था। कैरिन बोलता है हाँ। वेजिटा बोलता है कि उस बेवकूफ़ की वजह से मुझे फालतू की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। वेजिटा एकदम से उड़ता है और कैरिन टावर के नीचे पहुंच जाता है। कैरिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिर वेजिटा के दिमाग में चल क्या रहा है। उसे भी पता होना चाहिए कि जिस लेवल पर वो अब है उसके लिए इस टावर को चढ़ना बिल्कुल बेकार है। उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए आखिर वो चाहता क्या है। मुझे लगता है कि शायद वो गोकू के माइंडसेट को समझना चाहता है और इसीलिए उसकी ट्रेनिंग को फॉलो कर रहा है। वेजिटा जैसे शख्स के लिए अपने प्राइड को दबाना एक बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से वो सच में बदल गया है और पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। कुछ ही सेकंड में वेजिटा पूरा टावर चढ़ के आ जाता है और बोलता है कि मैं टावर पर चढ़कर आया हूँ, अब मुझे बताओ कि क्या करना है। ये चीज़ देख के कैरिन हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि मैं जानता था कि वेजिटा स्ट्रांग है, पर कुछ ही सेकंड में पूरा का पूरा टावर चढ़ के आ जाना, अब वेजिटा पहले से बहुत ज़्यादा काम हो गया है और मुझे लगता है कि मुझे उसे कायो के पास ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए। ये सब कुछ वेजिटा कैकरोट को बता रहा होता है और कैकरोट बोलता है कि वेजिटा मैं तुम्हारी ट्रेनिंग की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। तुमने अपना प्राइड दबाकर कैरिन टावर भी चढ़ लिया, पर क्या तुम भूल गए थे कि मैं ये भी कर सकता हूँ। इसके बाद कैकरोट सुपर सैयन 3 में बदलने लग जाता है और वेजिटा को पता था कि ऐसा होने वाला है। कैकरोट सुपर सैयन 3 में बदलने के बाद बोलता है कि यह है सुपर सैयन की ताकत की लिमिट, सुपर सैयन 3। पिकलो ये सब कुछ दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है और बोलता है कि गोकू की ताकत फिर से बढ़ गई और इस वक्त उसकी ताकत उतनी ही है जितनी बू के सामने थी। वेजिटा अब तुम क्या करोगे। इसके बाद वो गोहान, गोटेन और ट्रंक्स को बुलाने की सोचता है ताकि वो सब मिलकर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर सकें। गोकू और वेजिटा में फिर से फाइटिंग शुरू हो जाती है और गोहान ही दूर से महसूस कर लेता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर गोकू और वेजिटा इतने सीरियसली क्यों लड़ रहे हैं। वो बोलता है कि मैं ये सब कुछ नहीं चलने दे सकता, वो लोग धरती को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही हैं, अगर मैंने उन्हें नहीं रोका तो वो और ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तभी पिकलो गोहान के पास पहुँच जाता है और बोलता है कि गोहान तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। गोहान पिकलो से बोलता है कि डैड के साथ कुछ गड़बड़ है, मैं ऐसे ही खड़े नहीं रह सकता। पिकलो गोहान को समझाता है कि गोकू के दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ है और गोकू की जेंडर पर्सनैलिटी एक खतरनाक पर्सनैलिटी के साथ चेंज हो गई है, अब वो इंसान जो भी है वो तुम्हारा पिता नहीं है। गोहान पिकलो से बोलता है कि पिकलो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। पिकलो बोलता है कि मुझे कुछ बात याद आई जो गोकू के भाई ने काफ़ी सालों पहले मुझे बताई थी। सन गोकू को धरती पे इसलिए भेजा गया था ताकि वो धरती के लोगों को ख़त्म कर सके, और मेरे पास कामे की जो पुरानी मेमोरीज हैं, गोकू बचपन में बहुत ज़्यादा खतरनाक था, पर एक दिन उसके सर पे एक चोट लगी जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी जेंटल हो गई। एक तरह से कहा जाए तो उसकी बेसिक सही इंस्टिंक्ट दब गई और वेजिटा की तरह उसने खुद इस पर कंट्रोल नहीं पाया। जब उसने ऊप के साथ ट्रेनिंग करी तो गोकू के सर पे बहुत बुरी चोट आई और उसकी पुरानी पर्सनैलिटी वापस लौट के आ गई। अब जब गोकू ऐसा हो गया है तो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। गोहान कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इसका कोई ना कोई सलूशन ज़रूर होगा। पिकलो गोहान से बोलता है कि गोहान शांत हो जाओ, वेजिटा अभी सिचुएशन को संभाल रहा है, पर मेरे पास एक प्लान है और उसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। हमें ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना होगा। गोहान बोलता है कि ड्रैगन बॉल्स, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद गोहान वहाँ से चला जाता है और पिकलो बोलता है कि गोहान मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, जब कोई भी चारा नहीं बचेगा तब ड्रैगन बॉल्स ही हमारे काम आएगी। अब सब कुछ वेजिटा के कंधों पर है कि वो कैकरोट को कितनी देर तक रोक सकता है। कैकरोट वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा अभी तक तुमने अच्छी लड़ाई करी, पर क्या नाइट सोल तुम्हारी आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन है। वेजिटा हंसता है और बोलता है कि तुम खुद पता क्यों नहीं लगा लेते। इसके बाद वेजिटा एकदम से फाइनल फ्लैश स्टार्ट करने लग जाता है और कैकरोट को शॉर्ट डिस्टेंस पर ख़त्म करने के लिए तैयारी करने लग जाता है, पर कैकरोट उस अटैक के लिए तैयार होता है। वो बोलता है कि वेजिटा अब तुम बस अपनी बेवकूफ़ी दिखा रहे हो। कैकरोट वेजिटा के अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है और इसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है।
कैकरोड वेजिटा से बोलता है कि इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं रह गया वेजिटा, ना तुम्हारे पास स्पीड है और ना ही तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इसके बाद वेजिटा कैकरोड को बोलता है कि कैकरोड क्या तुम्हें पता है जिस ट्रांसफॉर्मेशन में तुम हो वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है। कैकरोड बोलता है कि वेजिटा क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। इसके बाद वेजिटा कैकरोड को समझाता है कि किस तरीके से सैयन ट्रांसफॉर्मेशन काम करती है। सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन पावर को 50 गुना बढ़ाती है और उसके बाद सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक पावर लेवल को 100 गुना बढ़ाती है और उसके बाद सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन को 4 गुना बढ़ाती है। तो ये एक सच्चाई है कि वेजिटा कैकरोड की ताकत को बराबरी नहीं कर सकता, दोनों के ही फाइटिंग स्किल्स बराबर हैं, तो उस हिसाब से जिसकी भी बेसिक पावर ज़्यादा होगी वो जीत जाएगा। और इस केस में कैकरोड वेजिटा से आराम से जीत रहा है। कैकरोड वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा क्या तुम हार मान रहे हो। वेजिटा कैकरोड से बोलता है कि कैकरोड क्या तुम्हें ऐसा लगा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कैकरोड वेजिटा पे चिल्लाता है और बोलता है कि तुम अपने नाइट सोल वाले मोड से बाहर क्यों आ गए। पिकलो नोटिस करता है कि वेजिटा अभी तक लाइव में जो भी कर रहा था वो सिर्फ दिखावे के लिए था और उसने अभी तक अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं है। पिकलो बोलता है कि वेजिटा दुनिया में अकेला है जो गोकू की ताकत को टक्कर दे सकता है। उसने पिछले 2 साल गोकू की ट्रेनिंग को समझने में लगाए हैं, उसने ज़रूर कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो आज तक मैं नहीं समझ पाया। पिकलो बोलता है कि वेजिटा अब दिखाने का समय आ गया है कि तुमने किंगकाई के प्लैनेट पे क्या सीखा। इसके बाद हम फ्लैशबैक दिखते हैं जिसमें वेजिटा स्नेकवे पे जा रहा होता है। वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा प्राइड गया भाड़ में, इस वक्त मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं किसी भी तरीके से कैकरोड तक पहुँचना चाहता हूँ। कुछ ही समय में वेजिटा पूरा का पूरा स्नेकवे पार कर लेता है और किंगकाई के प्लैनेट तक पहुँच जाता है। वो बोलता है कि पिकलो ने कहा था कि ये बहुत मुश्किल होगा, ये तो ज़रा सा भी मुश्किल नहीं था। तभी किंगकाई वेजिटा को बोलते हैं कि आखिरकार मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल ही गया। वेजिटा किंगकाई से पूछता है कि क्या तुम किंगकाई हो। किंगकाई बोलते हैं कि हाँ मैं ही किंगकाई हूँ। इसके बाद वेजिटा किंगकाई को बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है और किंगकाई वेजिटा को बोलते हैं कि वेजिटा तुम्हें अगर मुझसे ट्रेनिंग चाहिए तो तुम्हें मुझे हंसाना होगा। वेजिटा ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने कहा कि मुझे कैकरोड जैसी ट्रेनिंग चाहिए। किंगकाई बोलते हैं कि अगर तुम मुझे हंसाओगे नहीं तो मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करूँगा। वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है कि ये क्या बेवकूफ़ी है, जोक का ट्रेनिंग से क्या लेना देना। वेजिटा किंगकाई से बोलता है कि काय मेरे साथ गेम मत खेलो, मैंने कहा कि मुझे वही ट्रेनिंग चाहिए जो तुमने कैकरोड को दी थी, मैं यहाँ पे कॉमेडियन बनने नहीं आया हूँ, अपना गेम बंद करो और मुझे ट्रेनिंग देना शुरू करो। किंगकाई बोलते हैं अगर तुम मुझे हंसा नहीं सकते तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा। वेजिटा बोलता है कि ये तो मान ही नहीं रहा, क्या ये सच बोल रहा है, मुझे कोई जोक सुनाना पड़ेगा, क्या यही है कैकरोड की ताकत का सीक्रेट। किंगकाई आखिरकार वेजिटा से पूछते हैं कि वेजिटा तो तुमने क्या डिसाइड किया, तुम मुझे जोक सुनाओगे या नहीं। वेजिटा बोलता है कि अगर ये बहुत ज़रूरी है तो मैं तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए तैयार हूँ, पर पहले तुम्हें मुझे हंसाना होगा। किंगकाई बोलते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे हंसाना होगा, मैं तुम्हें नहीं हंसाऊंगा। वेजिटा किंगकाई से बोलता है कि अगर तुम मुझे हंसा पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो, तुम खुद को मास्टर कॉमेडियन कहते हो तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। वेजिटा बोलता है लगता है तुम मुझे नहीं हंसा पाओगे, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं सबको बताऊँगा कि तुम अच्छे कॉमेडियन नहीं हो और बहुत ज़्यादा बोरिंग हो। किंगकाई बोलते हैं कि लगता है मुझे तुम्हें दिखाना ही होगा कि मैं मास्टर कॉमेडियन हूँ, अब मैं तुम्हें अपने सबसे अच्छे जोक में से एक सुनाऊँगा, ये जोक इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि तुम मर भी सकते हो। वेजिटा ये सुन के हैरान रह जाता है, वो सोचने लग जाता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या ये मुझे एक जोक से मार सकता है। वेजिटा डर के मारे अपने सुपर सैयन की फॉर्म में चला जाता है और बोलता है अब मुझे जोक सुनाओ। इसके बाद किंगकाई वेजिटा को जोक सुनाते हैं और वेजिटा को जरा सी भी हंसी नहीं आती। ये देख के किंगकाई बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि वेजिटा जरा सा भी नहीं हंसा, क्योंकि किंगकाई वेजिटा को हंसा नहीं पाते और वेजिटा शर्त जीत जाता है तो किंगकाई वेजिटा को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर इस शर्त पे कि वो किसी को नहीं बताएगा कि किंगकाई उसे हंसा नहीं पाए थे। वेजिटा किंगकाई से बोलता है कि उसे वही ट्रेनिंग चाहिए जो उन्होंने कैकरोड को दी थी, पर किंगकाई जानते हैं कि वेजिटा पे वो ट्रेनिंग काम नहीं करेगी। किंगकाई समझ ही नहीं पा रहे होते कि वेजिटा आखिर करना क्या चाहता है। वो वेजिटा को बताते हैं कि वो इतना तो समझ गए हैं कि वेजिटा यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो गोकू की ट्रेनिंग को समझ सके, पर वो उसे कभी भी स्पिरिट बॉम्ब नहीं सिखाएंगे क्योंकि स्पिरिट बॉम्ब एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक है और गोकू के अलावा उसे दुनिया में कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। स्पिरिट बॉम्ब की टेक्निक पर जितना अच्छा कंट्रोल गोकू का है उतना अच्छा कंट्रोल खुद किंगकाई का भी नहीं है। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि ये बात तो तुमने सही समझी कि मैं यहाँ पर कैकरोड की टेक्निक को समझने आया हूँ, मैं ये कभी नहीं समझ पाया कि आखिर उसकी ताकत और मेरी ताकत में हमेशा से इतना अंतर क्यों है। और हाँ, तुम ये भी सही समझे कि मेरा यहाँ पर आने का एक मकसद है और वो मकसद है कि मैं यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक सीखने आया हूँ।
और वो टेक्निक है कायोकेन टेक्निक। इनका बोलते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पे कायोकेन सीखने आए हो, पर मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम कायोकेन क्यों सीखना चाहते हो। जब तुम सुपर सेन बदलते हो तो तुम अपनी ताकत को ऑलरेडी मल्टीप्लाई करते हो, और कायोकेन अपनी ताकत को मल्टीप्लाई करने की टेक्निक है। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए ये टेक्निक बेकार है। तुम उससे अपनी ताकत 2 या 3 गुना ही बढ़ा सकते हो, और वो तुम्हारी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन भी डालती है। तभी इनका समझ जाते हैं कि वेजिटा का असली मकसद क्या है। वो चाहता है कि सुपर सेन बदलने के बाद वो कायोकेन की टेक्निक को यूज़ कर सके। किंका वेजिटा को बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। वेजिटा बोलता है कि तुम जितना लगते हो उससे ज़्यादा समझदार हो। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके बाद वेजिटा किंकाई को अपना पॉइंट समझाता है। वो बोलता है कि जब एक सैयन सुपर सैयन की स्टेज 4 को पा लेता है उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। किंकाई कुछ समझ नहीं पाते। वेजिटा समझाता है कि सुपर सैयन स्टेज 4 वो है जिसमें एक सैयन सुपर सैयन स्टेज को अपनी बेस स्टेज बना लेता है। किंकाई बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर पाओगे। वेजिटा बोलता है कि मैं कर सकता हूँ। जब मैं सुपर सैयन के साथ कायोकेन को यूज़ करूँगा तो वो सुपर कायोकेन कहलाएगा। इसके बाद वेजिटा सुपर सैयन में बदल जाता है और किंकाई को अपनी सुपर सैयन स्टेज 4 दिखाता है। इस स्टेज में उसके सुपर सैयन का ऑरा बिल्कुल शांत हो जाता है और बिल्कुल एक बेस स्टेज की तरह हो जाता है। किंकाई एक बार फिर से वेजिटा को समझाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि सुपर सैयन स्टेज बहुत अच्छी है और सुपर कायोकेन उसकी ज़्यादा काम नहीं आएगा और उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालेगा। वेजिटा बोलता है कि ये फैसला मैं करूँगा, तुम नहीं। किंकाई देखते हैं कि उसके इंटेंशंस प्योर हैं, और उसके बाद किंकाई आखिरकार उसे कायोकेन सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम फ्लैशबैक से बाहर मेन लड़ाई की तरफ आ जाते हैं, जहाँ सुपर सैयन 3 गोकू वेजिटा सुपर सैयन 2 के सामने खड़ा होता है। वेजिटा कैकरोट को बोलता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट कहाँ गई, आओ मुझसे लड़ो। कैकरोट समझ ही नहीं पा रहा होता कि वेजिटा के पास इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। वो सोचता है कि क्या वेजिटा ने सुपर सैयन 3 से भी आगे कुछ ढूंढ लिया है। वो सोचता है कि वेजिटा अपनी सुपर सैयन 2 की स्टेज में है, आखिर वो प्लान क्या कर रहा है। वेजिटा बोलता है कि अगर तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे तो मैं तुम पर अटैक करूंगा। इतने में वेजिटा सुपर सैयन 1 पर चला जाता है और बोलता है, कैकरोट तुम सही समझ रहे थे, मेरे पास सच में एक टेक्निक है जो तुम्हारे सुपर सैयन 3 को भी ओवरपावर कर सकती है। इसके बाद वेजिटा अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में सुपर कायोकेन यूज़ करता है। एकदम से वेजिटा में इतनी स्पीड और ताकत आ जाती है कि कैकरोट अपनी सुपर सैयन 3 की स्टेज में भी हैरान रह जाता है। एकदम से वेजिटा कैकरोट पर हमला कर देता है। हालांकि वेजिटा अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो कैकरोट को हरा सके, पर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कैकरोट भी काफ़ी परेशान हो जाता है वेजिटा की स्पीड को देख के, और वो एकदम से वेजिटा पर अपना की ब्लास्ट करता है। कैकरोट और वेजिटा में दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है, और इस बार लड़ाई थोड़ी टक्कर की हो रही होती है। हालांकि कैकरोट अपनी सुपर सैयन 3 की स्टेज में है और वेजिटा अपनी सुपर सैयन 1 कायोकेन की स्टेज में है, पर यह चीज़ कैकरोट को देख के पता चल रही होती है कि कैकरोट के लिए आसान नहीं होगा। वो बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि कायोकेन कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। कैकरोट वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा तुम अभी भी इतने तेज नहीं हो कि मुझसे बच के निकल पाओ, और एकदम से कैकरोट वेजिटा को बहुत जोर की गुस्सा मारता है। कैकरोट और वेजिटा की लड़ाई जारी रहती है, और दोनों को देख के पता चल रहा होता है कि ये लड़ाई हर सेकंड के साथ कैकरोट के लिए आसान होती जा रही है और वेजिटा के लिए मुश्किल होती जा रही है। वेजिटा इस वक्त किसी नॉर्मल शख्स से नहीं लड़ रहा है, वेजिटा एक ऐसे वॉरियर से लड़ रहा है जो शायद इस दुनिया का सबसे बेहतरीन वॉरियर है। कैकरोट वेजिटा को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है, पर कैकरोट कुछ समझ आता है। वो बोलता है, ये बहुत अजीब बात है, हम दोनों की ताकत में बहुत ज़्यादा गैप है, पर मैं जब भी उसे हिट कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे जरा सी भी चोट नहीं पहुँच रही है। वेजिटा कैकरोट को देखता है और बोलता है कि लगता है इसे समझ आ गया, अब मुझे इसे बता देना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि गोहान अभी भी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा होता है, और ड्रैगन बॉल्स के लिए उसे रेडार चाहिए। तभी उसे ट्रंक्स और गोटन मिल जाते हैं जो कि ड्रैगन बॉल रेडार उसके पास लेकर आ रहे होते हैं। गोहान के पास पहुँच कर ट्रंक्स और गोटन उसे पूछते हैं कि आगे क्या चल रहा है। पिकलोन ने पूरी बात नहीं बताई, बस ये बताया कि ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना है। ट्रंक्स हालांकि पूरी बात समझ चुका होता है। वो गोहान से बोलता है कि गोकू और मेरे फादर की कीज काफ़ी देर से टकरा रही हैं, और गोकू का ऑरा काफ़ी अलग है, मैं समझ सकता हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। गोहान ट्रंक्स से काफ़ी इंप्रेस होता है और वेजिटा की बड़ाई करता है जो ट्रेनिंग उसने ट्रंक्स को दी है। गोहान ट्रंक्स से बोलता है कि अभी मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता, हमें सबसे पहले ड्रैगन बॉल्स ढूंढनी है। इसके बाद गोटेन, ट्रंक्स और गोहान तीनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं ताकि वो ड्रैगन बॉल्स को जल्द से जल्द ढूंढ सकें। गोहान ये सोच के काफ़ी दुखी हो रहा होता है कि आखिर उसके पिता के साथ ही क्या हो गया। वो बोलता है कि आप ऐसे कैसे हो गए, आप कितने साफ दिल के हुआ करते थे, आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ मैंने आपसे प्योर दिल वाला इंसान कभी नहीं देखा, आखिर आपके साथ ही क्या हो गया, मैं आपको ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा। कैकरोट और वेजिटा की लड़ाई में हम देखते हैं कि कैकरोट को समझ आ चुका है कि वेजिटा क्या कर रहा है। कैकरोट वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा ये नाटक तुम कब तक करोगे, मुझे पता है कि मेरे अटैक तुम पे काम नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ आ गया है कि जैसे ही मैं तुम्हारे को अटैक करने वाला होता हूँ तुम अपना कायोकेन बढ़ा देते हो और 10 से ऊपर ले जाते हो,
वेजिटा हंसता है और बोलता है कि कैकरोट आखिर तुम्हें समझ आ ही गया। वेजिटा बोलता है कि लगता है कि अपना असली प्लान दिखाने का समय आ गया है। इसके बाद वेजिटा अपनी सुपर सेन की स्टेज 5 में चला जाता है, जो आज तक गोकू भी अटेंड नहीं कर पाया। कैकरोट बोलता है कि स्टेज 5 ये क्या मजाक है। इसके बाद वेजिटा अपनी पूरी ताकत दिखाने लग जाता है और सुपर सेन स्टेज 5 और कायोकेन इनटू 20 के बाद सनगोकू का पावर लेवल है 2 ट्रिलियन और वेजिटा का पावर लेवल है 3 ट्रिलियन। और वेजिटा को इतना ज़्यादा ताकतवर देखकर कैकरोट उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता। वेजिटा सुपर सेन स्टेज 5 को कायोकेन 20 से मल्टीप्लाई कर रहा होता है और ये चीज़ देख के पिकलो भी वेजिटा से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है। वेजिटा कैकरोट से बोलता है, मैं पता नहीं कब से इस समय का इंतजार कर रहा था, चलो लड़ाई शुरू करते हैं। वेजिटा के अंदर से बहुत ही कमाल का ऑरा निकल रहा होता है और कैकरोट बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, उसकी बॉडी ये कैसे झेल पा रही है। एकदम से वेजिटा कैकरोट पर एक की ब्लास्ट फेंकता है जिससे कैकरोट अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है, पर एक जोर का धमाका होता है जिसका सहारा लेकर वेजिटा कैकरोट तक पहुंच जाता है और उसकी पीठ पे एक बहुत जोर का घूसा मारता है। वेजिटा की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, इतनी ज़्यादा कि कैकरोट अपनी सुपर सेन 3 की फॉर्म में भी उसकी स्पीड को नहीं देख पा रहा होता। वेजिटा अपनी स्पीड का फ़ायदा उठाकर बार बार कैकरोट पर हर तरफ से ब्लास्ट कर रहा होता है। पिकलो थोड़ी दूरी से पूरी की पूरी फाइट देख रहा होता है। वो बोलता है कि वेजिटा की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गोकू उसके सामने इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा। पता नहीं वेजिटा ने किस तरीके की ट्रेनिंग करी है जो उसके पास इतनी ज़्यादा ताकत आ गई है, पर कायोकेन को इस तरीके से ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पता नहीं वेजिटा की बॉडी कब तक ये कर पाएगी। कैकरोट समझ चुका होता है कि वेजिटा इस वक्त उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो बोलता है, मैं ज़्यादा देर ऐसे नहीं लड़ पाऊंगा, वो मेरे लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ज़्यादा तेज है। तभी वेजिटा उसके पास फिर पहुँच जाता है और उसे जोर के खिंचा के घुसा मारता है जिससे कैकरोट ज़मीन पर जाके टकराता है, पर कैकरोट भी वेजिटा की ही टेक्निक यूज़ करता है। वेजिटा समझ जाता है कि जब वेजिटा ने कैकरोट को हिट किया तब कैकरोट ने अपनी ताकत मैक्सिमम कर ली जिसकी वजह से उसे ज़्यादा डैमेज नहीं मिला। तभी कैकरोट उसके सामने आ जाता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करके, पर वेजिटा कैकरोट के हर अटैक से अपने आप को बचा रहा होता है और उससे बराबरी पर लड़ रहा होता है। इसके बाद वेजिटा फिर से कायोकेन इनटू 20 यूज़ करता है। वेजिटा की स्पीड फिर से बढ़ जाती है और वो कैकरोट को मारने में कामयाब हो जाता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटा कैकरोट की तरफ जब बढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग में गिनती चल रही होती है और जैसे ही वो गिनती 20 तक पहुँचती है वेजिटा एकदम से कैकरोट तक पहुँच जाता है और उसे खिंचा कर एक बहुत ज़ोर का गुस्सा मारता है। कैकरोट अभी इस अटैक से संभला भी नहीं होता कि वेजिटा एकदम से उसके पीछे चला जाता है और उस पर एक ज़ोरदार की ब्लास्ट करता है। ये अटैक करते करते वेजिटा कैकरोट के कान में बोलता है कि भले ही तुम्हारी ताकत कितनी भी हो, इतने क्लोज अटैक से तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे। और एकदम से वेजिटा कैकरोट पर अपना कायोकेन बिग बैंग अटैक करता है। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि कई किलोमीटर दूर पिकलो भी इस अटैक को बड़े आराम से देख पा रहा था। पिकलो बोलता है कि लगता है वेजिटा पागल हो गया है, इतने ताकतवर अटैक से वो पूरे प्लैनेट को ही खत्म कर देता। तभी पिकलो हंसता है और बोलता है, वैसे इस वक्त वो जरूरी नहीं है, इस वक्त जरूरी है सनगोकू को हराना। आखिरकार वेजिटा ने गोकू को सरपास कर ही लिया। लगता है हमें शेनलोंग की मदद लेनी पड़ेगी इस डैमेज को ख़त्म करने के लिए और पोरुंगा की मदद लेनी पड़ेगी गोकू को रिवाइव करने के लिए। तभी पिकलो के पीछे से आवाज़ आती है, मुझे रिवाइव करने के लिए, ऐसा लग रहा है तुम ज़्यादा ही फ्यूचर का सोच रहे हो। पिकलो कैकरोट को वहाँ देख के बहुत हैरान होता है। कैकरोट पिकलो को बोलता है कि तुम जहाँ हो वहीं रहो, मैं नहीं चाहता कि वेजिटा मुझे दोबारा ढूंढ ले। पिकलो कैकरोट से बोलता है, तुम इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करके यहाँ पर आए हो। कैकरोट पिकलो से बोलता है कि वेजिटा आखिरकार मुझे बराबरी की टक्कर देने लायक हो गया है, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते और मैं तुम तक टेलीपोर्ट करके नहीं आता तो शायद मैं अपना एक हाथ या पैर खो देता। अगर तुम यहाँ पर मेरी और वेजिटा की लड़ाई ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते तो मैं आज मारा जाता। इसके बाद पिकलो बोलता है, यानी कि मेरी वजह से वेजिटा के सारे एफर्ट बेकार हो गए। पिकलो कैकरोट से लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी कैकरोट बोलता है कि मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, पर तुम अपना ज़्यादा लक मत आजमाओ, तुम अभी मेरी ताकत की बराबरी करने लायक नहीं हुए हो। तभी पिकलो गोकू से पूछता है कि गोकू क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो। गोकू इसके जवाब में बोलता है कि अब मैं सनगोकू नहीं हूँ, अब मैं कैकरोट हूँ। पिकलो गुस्से में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक सैयन हो, पर तुम धरती पर पले बड़े हो, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? क्या तुम अपनी वाइफ और अपने दोनों बेटे को भी भूल चुके हो? गोटेन और गोहान को याद करने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि तुम एक सैयन हो, पर तुम इकलौते सैयन हो जिसे धरती पर रेज किया गया है, तुम एक सैयन से ज़्यादा एक धरतीवासी हो। तभी गोकू गोटेन और गोहान को याद करने लग जाता है। पिकलो समझ जाता है कि गोकू अभी तक सब कुछ नहीं भूला है। वो समझ जाता है कि गोकू अभी अपनी वॉयलेंट पर्सनैलिटी और जेंटल पर्सनैलिटी के बीच में झूल रहा है, जिसका मतलब है कि गोकू को ठीक करने के चांस अभी भी है। पिकलो गोकू से बोलता है कि याद करने की कोशिश करो। गोकू बोलता है कि गोटेन और गोहान दोनों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, खासकर कि गोहान में, पर उसे कभी भी लड़ाई पसंद नहीं थी, इसके बावजूद भी उसने मेरे को 2 बार ही सरपास किया। गोहान के पास ऐसी ताकत थी जिसके बारे में मैं सिर्फ सोच ही सकता था, पर उसने अपनी बॉडी की जगह अपने माइंड को चुना और एक स्कॉलर बन गया।
पिकलो गोकू से बोलता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। गोकू बोलता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि गोहान एक स्कॉलर बने। मैं उससे उसकी पूरी ताकत में फाइट करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मुझे सरपास करे, पर वो सिर्फ मेरा एक सपना था और अब सपने देखने का समय नहीं रह गया है। इसके बाद गोकू एकदम से सुपर सीन में बदल जाता है। पिकलो कैकारोट से बोलता है कि तुम्हारा सैयन ब्लड तुम्हें कंज्यूम कर रहा है, और एकदम से वेजिटा महसूस करता है कि गोकू अभी जिंदा है। वेजिटा बोलता है कि लगता है उसने टेलीपोर्ट करके खुद को बचा लिया, और वो हंसता है और बोलता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ, अगर फाइट वैसे ख़त्म हुई होती तो ये काफ़ी बोरिंग होता। कैकारोट को महसूस हो जाता है कि वेजिटा उसकी तरफ आ रहा है। मैं अपने इमोशंस में बह गया और रिकवरी के बारे में भूल गया, और वेजिटा ने मेरी ताकत महसूस कर ली। चलो कोई बात नहीं, लगता है मुझे अब ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। इसके बाद कैकारोट फिर से सुपर सैयन 3 में बदलने लग जाता है। कैकारोट सुपर सैयन 3 में बदलने के बाद पिकलो से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी एनर्जी तुम पे वेस्ट नहीं करना चाहता, तुम दोबारा से दूर जाकर फिर से हमारी लड़ाई सिर्फ ऑब्जर्व करो। पिकलो कैकारोट से बोलता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, ये करके तुम्हें क्या मिलेगा, अंत में तुम सिर्फ अकेले रह जाओगे, और ये कहकर पिकलो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैकारोट सोचने लग जाता है कि वो आखिर वेजिटा के सुपर कायाकुइन से कैसे लड़ेगा। ये टेक्निक कैकारोट को काफ़ी दिक्कत दे रही है और उसे कॉपी करना भी इतना आसान नहीं है। कैकारोट सोचता है कि कायाकुइन एक लिमिट ब्रेक करने की टेक्निक है, तो उसका फिजिकल कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पर फिर भी वेजिटा की बॉडी पे कुछ भी दिख नहीं रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्मली लड़ रहा है। तभी कैकारोट समझ जाता है कि वेजिटा क्या कर रहा है। वो बोलता है कि अगर वेजिटा यही कर रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, तो मैं उस पर सरप्राइज अटैक कर सकता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सुपर कायाकुइन में दिक्कत क्या है। एक तरफ कैकारोट और वेजिटा की लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली होती है, और दूसरी तरफ ट्रंक्स, गोटेन और गोहान ड्रैगन बॉल्स ढूंढ रहे होते हैं। ड्रैगन बॉल को ढूंढते ढूंढते गोहान सेटन सिटी पहुंच जाता है। वो ड्रैगन बॉल को ढूंढते ढूंढते सेटन सिटी के बीच में पहुंच जाता है। उसे वो ड्रैगन बॉल एक लड़की के पास दिखती है, और ये ड्रैगन बॉल होती है 3-स्टार ड्रैगन बॉल। गोहान खुश हो रहा होता है कि उसे ज़्यादा मेहनत करे बिना ही ड्रैगन बॉल मिल गई, पर वो लड़की उसे वो ड्रैगन बॉल देने के लिए मना कर देती है। वो बोलती है कि ये ड्रैगन बॉल मुझे मिली है, तो मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी। गोहान उस लड़की को बताता है कि तुम्हारे पास जो ऑरेंज बॉल है वो मुझे चाहिए, पर मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है तुम्हारे को देने के लिए, और मैं तुम्हारे को पूरी बात भी नहीं बता सकता, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि ये बॉल मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लड़की गोहान को बोलती है कि अगर तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम ये ले जा सकते हो। गोहान ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। गोहान खुश हो रहा होता है कि उसे ज़्यादा मेहनत करे बिना ही ड्रैगन बॉल मिल गई। वो लड़की गोहान को बोलती है कि मैं तुम्हें ये फ्री में नहीं देने वाली, तुम मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रहे हो। गोहान बोलता है कि अच्छा अच्छा मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। वो लड़की गोहान से बोलती है कि मैं जो तुमसे करवाना चाहती हूँ मेरे ख्याल से वो तुम कर नहीं पाओगे। गोहान उस लड़की को बोलता है कि तुम एक बार मुझे बताओ तो सही, मैं जो हो सकेगा वो करूँगा। वो लड़की गोहान को बोलती है तुम तो काफ़ी सीरियस हो गए हो, पर मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं किसी से मिलना चाहती हूँ, मैं दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से मिलना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे उससे मिलवा दोगे तो मैं तुम्हें ये बॉल बड़े आराम से दे दूँगी। गोहान बोलता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तो मेरे फादर हैं, पर इस वक्त जिस हालात में हैं मैं किसी को भी उनके पास नहीं लेके जा सकता, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा होगा। वो लड़की गोहान को बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये बहुत मुश्किल होगा, पर असल में ये इम्पॉसिबल है, पर मैं तुम्हें ये बॉल फ्री में नहीं देने वाली, तो इसके बारे में भूल जाओ। गोहान उस लड़की को बोलता है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान सन गोकू इस वक्त अच्छी हालात में नहीं है। वो लड़की बोलती है कि गोकू वो कौन है, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मिस्टर सेटन है, और अपने आइडल से मिल पाना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। गोहान एकदम से उड़ जाता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से कहीं जाना मत। वो लड़की गोहान को उड़ता हुआ देख के हैरान रह जाती है। मिस्टर सेटन अपने घर में आराम कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर बू कहाँ चला गया। एकदम से गोहान आता है और मिस्टर सेटन को उड़ा के ले जाता है। वो बोलता है मिस्टर सेटन मुझे माफ़ करना, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा। मिस्टर सेटन कुछ समझ ही नहीं पा रहे होते कि क्या चल रहा है, और वो लड़की मिस्टर सेटन को अपने सामने देख के हैरान रह जाती है, और एकदम से गोहान को वो ड्रैगन बॉल दे देती है और उसे थैंक यू भी बोलती है। वो लड़की मिस्टर सेटन से मिलकर बहुत खुश हो रही होती है, और गोहान अगली ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ ही समय में गोहान, गोटेन और ट्रंक्स ये तीनों मिलकर सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स ढूंढ लेते हैं। गोटेन और ट्रंक्स गोहान से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना है। गोहान बोलता है कि मुझे ये बात पहले पिकलो को बतानी होगी, और वही बताएगा कि आगे का प्लान क्या है, पर इस वक्त मैं उससे टेलीपैथी से बात नहीं कर सकता, मुझे उससे जाकर बात करनी होगी। गोहान वहाँ से जाने वाला होता है, तभी ट्रंक्स गोहान से पूछता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि अब क्या चल रहा है। गोटेन ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स तुम इतने अजीब तरीके से बात क्यों कर रहे हो। ट्रंक्स गोटेन से बोलता है कि गोटेन क्या तुम्हें सच में कुछ महसूस नहीं हो रहा, मेरे और तुम्हारे पिता लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि तुम्हारे पिता गोकू की काफ़ी ख़तरनाक है।
ट्रंक्स बोलता है कि मेरे पिता का सोचने का तरीका काफ़ी बदल चुका है माजिन बू से लड़ाई के बाद, और अब वो किसी को मारने के इंटेंट से नहीं लड़ते, पर गोकू इस वक्त उन्हें मारने के इंटेंट से लड़ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता का कोई चांस है उनसे जीतने का। गोहान ट्रंक्स की समझदारी देख के बहुत हैरान होता है। वो बोलता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक बच्चा जो बचपन में इतना ज़्यादा शैतान था वो इतना समझदार हो सकता है। हर दिन के साथ ट्रंक्स और ज़्यादा समझदार होता जा रहा है, और इसका माइंडसेट भी फ्यूचर ट्रंक्स जैसा होता जा रहा है। गोटेन अपनी ट्रेनिंग को बहुत लंबे समय से अवॉइड कर रहा है, और मुझे लगता है कि गोटेन और ट्रंक्स के पावर लेवल में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है, और शायद इसी वजह से इन दोनों का फ्यूजन भी शायद इम्पॉसिबल होगा। गोहान ट्रंक्स को बताता है कि अभी मुझे पूरी बात नहीं पता है, पिकलो ने मुझे बस ये बताया है कि मेरे पिता के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, और इस वक्त वेजिटा उनसे लड़ रहा है ताकि उन्हें रोक सके। और हमने ड्रैगन बॉल्स इसलिए इकट्ठी करी हैं क्योंकि पिकलो ने कहा था कि उसके पास एक प्लान है। इस वक्त हम पिकलो और वेजिटा पर विश्वास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ट्रंक्स बोलता है, यानी कि मुझे जो लगा था वो सही है, गोकू सच में बदल गया है, और ये कोई मजाक नहीं है। ट्रंक्स को गोकू पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में सुपर सैयन बदल जाता है। गोहान बोलता है कि शांत हो जाओ ट्रंक्स, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम इसी फॉर्म में रहोगे तो मेरे पिता को हमारे बारे में पता चल जाएगा। ट्रंक्स गोटेन और गोहान से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि अब मैं शांत हो चुका हूँ। गोहान बोलता है कि इस वक्त हम उन दोनों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। गोहान गोटेन और ट्रंक्स को बोलता है कि अब मेरी बात सुनो, अब हम वही करेंगे जो पिकलो कहेगा। गोटेन और ट्रंक्स इस बात से सहमत होते हैं। इसके बाद गोहान पिकलो से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है और उसे टेलीपैथी से कॉन्टैक्ट करता है। गोहान पिकलो को टेलीपैथी से बताता है कि हमने सारी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी कर ली हैं, अब हमें क्या करना है जल्दी बताओ। पिकलो गोहान से बोलता है कि बहुत अच्छा, तुमने ये काम मेरी एक्सपेक्टेशन से ही बहुत जल्दी कर लिया, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द मिलता हूँ, तुम लोग इस वक्त जहाँ हो वहीं रहो। इसके बाद पिकलो अपने मन में सोच रहा होता है कि वेजिटा, ये कौन सोच सकता था कि एक दिन तुम धरती की आखिरी उम्मीद होगे। दूसरी तरफ कैकरोट और वेजिटा की लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है। वेजिटा एकदम से कैकरोट के पास पहुँच जाता है। कैकरोट बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मेरे पास इस वक्त जीतने का बस एक ही तरीका है, मुझे वेजिटा से दूर भागना होगा और एकदम से उसके पीछे से अटैक करना होगा। कैकरोट वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा, मुझे तुम्हारे सुपर कायोकन का फॉल्ट पता चल गया है। वेजिटा बोलता है कि तुम्हें पता तो चल गया है, पर अब काफ़ी देर हो चुकी है, मैं देख सकता हूँ कि तुम इस वक्त कितना काँप रहे हो, समय आ गया है तुम्हारे अंदर इस डर को बढ़ाने का। और इसके बाद वेजिटा एकदम से सुपर कायोकन N20 में चला जाता है। कैकरोट वेजिटा पर अटैक करने का ड्रामा करता है, पर वेजिटा अपने आप को बचा लेता है। तभी कैकरोट एकदम से वेजिटा के पीछे चला जाता है और उस पर अटैक कर देता है, पर वेजिटा उसके अटैक को रोक लेता है। वेजिटा कैकरोट पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर कैकरोट बार बार ही टेलीपोर्ट करे जा रहा होता है। कैकरोट एकदम से वेजिटा के पीछे चला जाता है और उस पर अपना बेस्ट अटैक कामेहामेहा वेव यूज़ करता है, पर वेजिटा एक बार फिर से अपने आप को बचा लेता है। वेजिटा के मन में अभी भी वही गिनती चल रही होती है जिसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में ही बात करी थी। ये गिनती धीरे धीरे करके 20 तक पहुँचती है। जैसे ही ये गिनती 20 तक पहुँचती है, कैकरोट समझ जाता है कि वेजिटा की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और एकदम से वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वेजिटा बोलता है कि इस बारे में तुम्हें भागने नहीं दूंगा, और वो एकदम से कैकरोट के पीछे चला जाता है। थोड़ी सी देर कैकरोट का पीछा करने के बाद वेजिटा कैकरोट को पकड़ लेता है और उसे खिंचा के घूंसा मारता है। कैकरोट अपने मन में बोलता है कि इस वक्त वेजिटा की स्पीड और ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी ताकत को कभी फेस नहीं किया। वेजिटा अपनी स्पीड और ताकत का इस्तेमाल करते हुए बार बार कैकरोट को पकड़े जा रहा होता है और बार बार ही उस पर अटैक कर रहा होता है, पर कैकरोट भी अब वेजिटा के अटैक के पैटर्न को समझ रहा होता है और बार बार ही वेजिटा के अटैक से बचे जा रहा होता है। वेजिटा भी ये बात समझ जाता है कि कैकरोट उसके अटैक्स को समझने लग गया है। कैकरोट वेजिटा से दूर भाग रहा होता है। वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझे कैकरोट को पीछा करना चाहिए, मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है। कैकरोट एकदम से वेजिटा के सामने आ जाता है और एकदम से वेजिटा पर अटैक कर देता है। हालांकि वेजिटा अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा कैकरोट से बोलता है कि तुम अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि तुम मुझे बड़े आराम से हरा दोगे, पर अभी तक तुम कुछ भी नहीं कर पाए हो। कैकरोट वेजिटा से बोलता है कि नहीं वेजिटा, तुम्हारा गेम अब ख़त्म हो चुका है। वेजिटा बोलता है क्या? कैकरोट बोलता है कि मुझे आखिरकार तुम्हारी ट्रिक अच्छी तरीके से समझ आ गई है और तुम्हारे पावर अप का तरीका भी समझ आ गया है। मैं शुरुआत से ही सोच रहा था कि तुम एकदम से कायोकन N20 यूज़ कर रहे हो और उसका स्ट्रेंथ तुम्हारी बॉडी पर नहीं दिख रहा है। जितना अभी तक मुझे समझ आया है, तुम कायोकन N10 हमेशा यूज़ कर रहे हो, पर तुम मुझे अपने लड़ाई के तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम कायोकन N20 एक्टिवेट कर रहे हो, पर मैं अब समझ चुका हूँ कि तुम कायोकन N10 से शुरुआत करते हो और धीरे धीरे करके कायोकेन को बढ़ाते हो। अगर तुम कायोकेन N20 एक बारी में यूज़ करोगे तो तुम्हारी बॉडी उसे झेल नहीं पाएगी और पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। इसके बाद कैकरोट बोलता है कि वेजिटा, मैं सच बताऊँ तो मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, और मैं ये सोच रहा था
कि आखिर इस टेक्निक को मैंने क्यों नहीं सोचा। पर अब बातों के लिए बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है और अब तुम ख़त्म होने वाले हो वेजिटा। पर इतना सब कुछ सुन के भी वेजिटा हैरान नहीं होता। वेजिटा कैकरोट को बोलता है, कैकरोट मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने वो हर चीज़ कर ली है जो तुमने करी है। और इसके बाद वेजिटा सुपर सैयन 3 में बदल जाता है और ये देख के कैकरोट हैरान रह जाता है। सुपर सैयन 3 में बदलने के बाद वेजिटा कैकरोट से बोलता है कि मैंने तुम्हारे ट्रेनिंग के तरीके को रोज़ फॉलो किया है। किंगकाई के प्लैनेट पर हम देखते हैं कि किंगकाई बोलते हैं कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो वेजिटा, तुम्हें गोकू के बहकावे में नहीं आना चाहिए था, अभी सुपर सैयन 3 इस्तेमाल करने का सही समय नहीं था। पर ये भी सच है कि वेजिटा सुपर कायकोट का जितना इस्तेमाल कर सकता था उतना कर चुका है। अब तुम्हारा प्लान क्या है वेजिटा? तुमने खुद कहा था कि तुम्हारी बेस पावर कम होने की वजह से तुम गोकू को सेम ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पे नहीं हरा सकते। वेजिटा बस अब एक ही तरीके से जीत सकता है, अगर वो गोकू पे दो खतरनाक अटैक कर पाए। वेजिटा अभी तक कायोकेन का इस्तेमाल इसलिए कर रहा था ताकि वो गोकू का स्टेमिना ड्रेन कर पाए और अंत में सुपर सैयन 3 का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से गोकू को ख़त्म कर दे। जितना मैं समझ पाया हूँ वेजिटा का प्लान यही था, पर वेजिटा लड़ाई को ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाया। वेजिटा अभी तक गोकू को रोकने में कामयाब रहा है। दुनिया में इस वक्त कोई भी नहीं है जो गोकू की बराबरी कर पाए। अब हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि वेजिटा का सुपर कायोकेन में किया हुआ डैमेज इतना हो कि वो गोकू को रोक पाए। क्योंकि एक बात जो मैं गोकू के बारे में सीख गया हूँ वो ये है कि गोकू का अपोनेंट कितना भी ताकतवर हो, गोकू हमेशा उससे आगे निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। मुझे नहीं याद कि आज तक गोकू जैसा कोई भी क्रीचर दुनिया में आया हो, चाहे वो जिंदा हो और चाहे वो मरा हुआ हो, वो हमेशा ग्रो करता रहता है और ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता है और अपनी ही लिमिट्स को तोड़ता रहता है। मुझे नहीं लगता कि आज तक गोकू जैसा फोकस्ड इंसान दुनिया में पैदा भी हुआ है। हम देखते हैं कि पिकलो गोहान, गोटेन और ट्रंक्स तक पहुंच जाता है। गोटेन गोहान से पूछता है कि हम ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करी है। गोहान बोलता है कि फिलहाल मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि पिकलो के पास कोई रीज़न होगा, पर मुझे पिकलो पर पूरा विश्वास है, जो वो सोच रहा है वो सही सोच रहा होगा। गोटेन बोलता है कि अगर पिकलो सही बोल रहा है और हमारे पिता पागल हो गए हैं तो हम शेनरॉन का इस्तेमाल करके उन्हें ठीक क्यों नहीं कर देते। ट्रंक्स बोलता है कि गोटेन तुम क्या भूल गए हो कि ड्रैगन बॉल्स कैसे काम करती हैं। गोटेन ट्रंक्स से पूछता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारी विश पूरी नहीं होगी। ट्रंक्स गोटेन को बताता है कि शेनरॉन की ताकत काफ़ी लिमिटेड है, शेनरॉन के पास उतनी ही ताकत हो सकती है जितनी ताकत डेंडे के पास है। अगर शेनरॉन के पास ताकत होती भी तो हमारी विश पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि शायद गोकू उसके लिए मना कर सकता है। अगर हमने कोई ऐसी वैसी विश मांग ली तो गोकू को पता चल सकता है कि हमारे पास ड्रैगन बॉल्स हैं। गोहान बोलता है कि ट्रंक सही बोल रहा है, इससे हमारे सारे एफर्ट्स ख़राब हो जाएंगे और हमने जो ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी करी हैं वो बेकार हो जाएंगी। हम ड्रैगन बॉल्स को बिल्कुल अंत में ही इस्तेमाल करेंगे, अभी हम बस पिकलो पर ही विश्वास ही कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर वेजिटा हारता है तो हम धरती की आखिरी उम्मीद हैं, अगर हम भी हार गए तो ये धरती का अंत होगा और आसपास के सभी प्लैनेट्स का भी, जिस पर भी हमारे पिता जाएंगे। गोहान बोलता है कि पिकलो ने मेरे को हमारे पिता के बारे में एक बात बताई थी, हमारे पिता को जब धरती पर भेजा गया था तब वो एक बच्चे थे, उन्हें धरती पर इसलिए भेजा गया था ताकि वो धरती पर कब्जा कर पाएँ, पर एक दिन वो खाई में गिर गए और उनके सर पर बहुत गहरी चोट आ गई जिसकी वजह से वो अपना मिशन भूल गए। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी भूल गए थे और अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। उन्होंने वेजिटा की तरह अपने सैयन इंस्टिंक्ट को धीरे धीरे करके कम नहीं किया। जिस वेजिटा को हम आज जानते हैं उसको आने में ना जाने कितने साल लग गए, क्योंकि वेजिटा ने अपने इंस्टिंक्ट को धीरे धीरे करके कम किया। ट्रंक्स गोटेन से बोलता है कि गोटेन अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई का सामना कर लो। गोटेन बोलता है कि ट्रंक्स तुम क्या कहना चाहते हो। ट्रंक्स बोलता है कि सच तो ये है कि धरती का रक्षक अब धरती के लिए दुश्मन बन गया है और अब मुझे भी नहीं लगता कि मेरे पिता उसके खिलाफ जीत सकते हैं। गोटेन बोलता है ये नहीं हो सकता। गोटेन को गुस्सा आने लग जाता है, वो बोलता है कि तुम सब मुझे बच्चा समझ रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं समझ चुका हूँ, तुम कहना चाह रहे हो कि हमें हमारे पिता को मारना पड़ेगा। तभी पिकलो बोलता है कि वेजिटा और गोकू की ताकतें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं, अब वो नहीं बता सकता कि इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है, इस वक्त इन दोनों की ताकतें काफ़ी बराबरी पर हैं। कैकरोट और वेजिटा दोनों अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म में होते हैं और लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। वेजिटा अपना अटैक चार्ज करके एकदम से कैकरोट पर अटैक कर देता है। कैकरोट खुद को वेजिटा के अटैक से बचा लेता है और एकदम से वेजिटा के पीछे चला जाता है और वेजिटा पर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी वेजिटा उसे देख लेता है। पर कैकरोट अपने स्पीड का इस्तेमाल करके एकदम से गायब होने लग जाता है और एकदम से पीछे जाकर वेजिटा को एकदम से किक कर देता है। अब कैकरोट का पलड़ा भारी होने लग जाता है। कैकरोट वेजिटा से बोलता है कि तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर भी हूँ और तुमसे ज़्यादा तेज भी हूँ, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारा ओरिजिनल प्लान ये था कि तुम सुपर कायोकेन का इस्तेमाल करके मेरा स्टेमिना ख़त्म कर दोगे और उसके बाद सुपर सैयन 3 से मुझे ख़त्म कर दोगे,
शर्म की बात है कि तुम्हारा प्लान बर्बाद हो चुका है। वेजिटा कैकरोट से बोलता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, हम दोनों इस वक्त सेम ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर हैं। वेजिटा कैकरोट से बोलता है कि अब मुझे अंडर एस्टिमेट करना तुम्हारी गलती होगी। कैकरोट बोलता है कि ठीक है वेजिटा, हम तुम्हारा गेम चालू रखेंगे, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे मौत के समय तुम बहुत ज़्यादा दुख में हो, और हो सकता है कि मैं बुलमा को भी वहाँ पर लेकर आ जाऊँ। वेजिटा बोलता है कि मुझे लगता है कि बुलमा को भी वो देखने में मज़ा आएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि आज मैं यहाँ पर मरने नहीं वाला। वेजिटा अपने मन में बोलता है कि कैकरोट की जनरल पर्सनैलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और हर सेकंड के साथ उसकी पर्सनैलिटी करप्ट होती जा रही है। वेजिटा कैकरोट से बोलता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब भी सेम ही सिचुएशन थी, पर हम दोनों एक दूसरे की जगह पर खड़े हुए थे, पर आज जो भी हो जाए मैं आज नहीं हारने वाला। इसके बाद वेजिटा और कैकरोट की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है और पूरी धरती पर भूकंप आने लग जाता है। लोग समझ ही नहीं पा रहे होते कि आखिर हो क्या रहा है, सबको बस यही लग रहा होता है कि धरती पर भूकंप आया हुआ है। और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा धमाकेदार होती है कि पूरी धरती हिल रही होती है और धरती पर हर जगह भूकंप आ रहा होता है। कोई भी कुछ भी समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। लड़ाई में कैकरोट वेजिटा पर भारी पड़ रहा होता है और उसे उठा के पटक रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि अभी भी हमारी ताकत में बहुत ज़्यादा गैप है। वेजिटा कैकरोट का सामना करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर कैकरोट इस वक्त ज़्यादा ताकतवर है और वो वेजिटा को बार बार ही मारे जा रहा होता है। कैकरोट वेजिटा को एक ज़ोरदार लात और घुसा मारता है। कैकरोट की स्पीड इस वक्त क्लियरली वेजिटा से ज़्यादा होती है और कैकरोट बार बार ही वेजिटा के पीछे जाके उस पर हमला करे जा रहा होता है, पर वेजिटा इस चीज़ को देख लेता है और एकदम से जैसे ही कैकरोट उसके पीछे आता है उसे खिंचा के लात मारता है, पर वेजिटा की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। कैकरोट वेजिटा को बोलता है कि तुम्हारी पावर भले ही कम हो पर तुम्हारी टेक्निक अच्छी होने की वजह से तुम मुझे टक्कर दे पा रहे हो। वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर हम इसी तरीके से लड़ते रहे तो मेरा स्टैमिना पहले ख़त्म हो जाएगा। वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि गोकू तुम्हारी ताकत जितनी तेज़ी से बढ़ रही है ये देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। जब हम माजिन बू से लड़ रहे थे मैंने आखिरकार मान लिया था कि तुम मुझसे बेहतर फाइटर हो। उस दिन तुमने मेरी आँखें खोल दी थी, उस दिन आखिरकार मैंने सच्चाई का सामना किया और ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ हट गया हो। उस दिन मैंने पहली बार तुम्हें अपने एक असली राइवल की तरह देखा। आज मैं जो भी हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ, तुम्हारी वजह से मैं आज इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ। उस दिन मैं तुम्हारी वजह से आज़ाद हो गया और अपनी असली जगह पाने के लिए आगे बढ़ा। कैकरोट वेजिटा से बोलता है कि हमारी ताकत में भले ही बहुत ज़्यादा गैप है पर तुम्हारे पास की रिजर्व बहुत ज़्यादा है और मैं इस बात को देख के खुश हूँ। चलो ऐसा लगता है कि अभी हमारी फाइट जारी रहेगी, पर तुम्हारे पास की रिजर्व ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे जीत पाओगी। हमारी स्ट्रेंथ के गैप को कम करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। वेजिटा कैकरोट को बोलता है कि मेरी कमज़ोर की के बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वेजिटा फिर से अपने मन में सोचने लग जाता है। वो सोच रहा होता है कि बचपन से ही कैकरोट अपने से ताकतवर अपोनेंट से लड़ता आया है और इसीलिए उसकी ताकत बढ़ती जा रही है क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी और आज मैं भी हार नहीं मानूंगा। वेजिटा सोचता है कि मैं समझ गया कि इस वक्त मुझमें क्या कमी है, मुझे अपने पुराने माइंडसेट में वापस जाना होगा। एक ऐसा समय जब मैं अपनी ताकत के अलावा कुछ नहीं सोचता था और सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचता था, उस समय में जब मैं अपनी सैयन रेंज में सबसे ज़्यादा ताकतवर था। मैं एक बारी पहले भी ताकत के लिए अपनी सोल को बेच चुका हूँ और अगर आज मुझे कैकरोट को हराने के लिए फिर से डार्कनेस में जाना पड़ता है तो मैं फिर से जाऊँगा। मुझे अपने अंदर के प्रिंस ऑफ डिस्ट्रक्शन को जगाना होगा। इसके बाद वेजिटा के अंदर से बहुत सारी की निकलने लग जाती है। एक बारी फिर से कैकरोट वेजिटा की ताकत को देख के हैरान रह जाता है। कैकरोट वेजिटा की ताकत को देख के बोलता है कि आखिर ये वेजिटा के साथ क्या हो रहा है, वो पहले से अलग दिख रहा है। पावर अप करने के बाद वेजिटा बहुत शांति से खड़ा होता है और कैकरोट को गुस्से में देख रहा होता है। कैकरोट अपने मन में सोचता है कि मुझे विश्वास है कि वेजिटा के अंदर कोई ना कोई चेंज जरूर आया है। वेजिटा कैकरोट को बोलता है कि चलो कैकरोट सेकंड राउंड शुरू करते हैं। कैकरोट बोलता है सेकंड राउंड तुम्हारा मतलब फाइनल राउंड। कैकरोट के इतना बोलते ही वेजिटा उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि मरने का समय आ गया है कैकरोट। वेजिटा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और एकदम से कैकरोट को खिंचा के गुस्सा मारता है। कैकरोट वेजिटा को बोलता है कि ये गुस्सा तो बहुत ज़ोरदार था, इससे मुझे चोट लगी। वेजिटा बोलता है कि इधर उधर मत देखो कैकरोट। कैकरोट बोलता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है वेजिटा। वेजिटा कैकरोट को एक और गुस्सा मारता है पर कैकरोट उसे पकड़ लेता है और वो एकदम से वेजिटा को घुमा के दूर फेंक देता है। इसके बाद कैकरोट अपनी पावर इकट्ठी करता है और एकदम से वेजिटा पर अटैक करता है। वो वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा नरक में मेरे लिए जगह बचा के रखना। कैकरोट का अटैक वेजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है और जैसे ही वो अटैक वेजिटा को लगने वाला होता है वेजिटा अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है जिससे कैकरोट का अटैक बिल्कुल बेकार हो जाता है। पर इस बैरियर को बनाने के चक्कर में वेजिटा की बहुत सारी एनर्जी बेकार हो जाती है और उसे देख के क्लियरली पता चल रहा होता है कि उसका बहुत सारा स्टैमिना वेस्ट हो चुका है। कैकरोट भी वेजिटा का चेहरा देख के समझ जाता है कि क्या हुआ है। वो बोलता है कि वेजिटा मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ
पर ऐसा लगता है कि तुमने उस अटैक में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर दी है। मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारी फाइट ज़्यादा लंबी चलेगी, पर लगता है कि तुमने उस बैरियर से खुद को बचाने के चक्कर में बहुत सारी की वेस्ट कर दी है। वेजिटा बोलता है कि नहीं, अभी मैं लड़ सकता हूँ, हमारी लड़ाई अभी जारी रहेगी। वेजिटा फिर से कैकरोट की तरफ लड़ाई के लिए बढ़ने लग जाता है और वेजिटा फिर से अपनी एक नई ट्रिक दिखाता है। अब वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी यूज़ कर सकता है और कैकरोट ये देख के हैरान रह जाता है। वेजिटा कैकरोट की तरफ बढ़ते बढ़ते एकदम से गायब हो जाता है और एकदम से कैकरोट के बराबर में जाके उसे ज़ोरदार घुसा मारता है। वेजिटा उसे दूसरा घुसा भी मारने की कोशिश करता है पर कैकरोट खुद को बचा लेता है, पर इतनी देर में वेजिटा उस पर की ब्लास्ट कर देता है। वेजिटा बार बार ही गायब होकर कैकरोट पर हमला कर रहा होता है और वह अपने मन में सोच रहा होता है कि लगता है कि मेरी नई ट्रिक से वो हक्का बक्का रह गया है। वेजिटा कैकरोट पर फिर से हमला करने ही वाला होता है पर कैकरोट खुद को बचा लेता है। कैकरोट वेजिटा से पूछता है कि क्या तुम प्लैनेट यार्डेड गए थे। वेजिटा बोलता है कि क्या, मैं कुछ समझा नहीं। कैकरोट बोलता है कि मुझे उल्लू मत बनाओ, तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि तुमने वो सब कुछ किया है जो मैंने किया है। वेजिटा बोलता है कि हाँ, मैंने वो सब कुछ किया है जो तुमने किया है, तो तुम उस बारे में क्या कर सकते हो। वेजिटा कैकरोट को बोलता है कि तुम फालतू की बातें मत करो, मुझे ये बताओ क्या तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। कैकरोट बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वेजिटा बोलता है कि तुमने नोटिस नहीं किया क्या, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई पार्ट है जो अभी भी धरती को बचाना चाहता है। कैकरोट इस बात पर हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे धरती की फिक्र है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा कोई गेम है जिसमें तुम मुझे फंसाना चाह रहे हो। वेजिटा कैकरोट को बोलता है तो ठीक है, मुझे गलत साबित करके दिखाओ, अभी और इसी वक्त इस प्लान को ख़त्म कर दो। कैकरोट बोलता है कि वेजिटा मैं तुम्हारी बेवकूफ़ की दाद देता हूँ, तुम्हें पता चल चुका है कि मैं जीत चुका हूँ, इसलिए तुम बस गेम खेल रहे हो। वेजिटा बोलता है मुझे अपना बैच दो, अगर तुम अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ोगे तो तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे, और वैसे भी मुझे इस प्लैनेट की कोई फिक्र नहीं है। इसके बाद वेजिटा अपना अटैक चार्ज करने लग जाता है। कैकरोट वेजिटा से बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे इस अटैक में बहुत ज़्यादा ताकत है, पर क्या तुम इस धरती पर सच में हमला कर पाओगे। वेजिटा बोलता है कि तुम बस देखते रहो। वेजिटा का ये रूप देख के कैकरोट हैरान रह जाता है और उसका ये रूप देख के उसकी मेमोरीज भी वापस आने लग जाती हैं। इसके बाद कैकरोट ऊपर हवा में उड़ जाता है और वेजिटा से बोलता है कि अपना अटैक इधर करो। कैकरोट वेजिटा के अटैक से टकरा जाता है और वेजिटा बोलता है जैसा कि मैंने कहा था, तुम धरती की रक्षा कर रहे थे, मैं अपनी पहली कही बात वापस लेता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी जेंडर पर्सनालिटी है। कैकरोट बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, गोकू मेरे अंदर अभी पूरी तरीके से मरा नहीं है, पर वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और वो मेरी वीकनेस ख़त्म हो जाएगी। लड़ाई के समय भावुक होना बेवकूफ़ी होती है और इसी वजह से वो मारा गया, पर मैं इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। कैकरोट बोलता है कि वेजिटा तुमने मेरी बहुत सारी ताकत कम कर दी है, अब हम दोनों की ताकत करीब बराबर लेवल पर है। तुम एक बहुत ही समझदार वॉरियर हो वेजिटा, तुम अभी भी मेरे साथ बातें इसलिए कर रहे हो ताकि तुम अपना स्टैमिना गेन कर सको, अब हम दोनों की ताकत बराबर होनी चाहिए। नहीं, मैं गलत हूँ, तुम्हारी ताकत मेरे से कम होगी क्योंकि तुम्हारे लास्ट अटैक ने काफ़ी सारी ताकत तुम्हारी खींच ली है, पर चाहे जो हो हम दोनों के पास ही स्टैमिना नहीं बचा है ताकि हम लड़ाई को आगे खींच सकें, अब इस लड़ाई को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। वेजिटा बोलता है तुम सही कह रहे हो। इसके बाद वेजिटा और कैकरोट दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे से पूरी ताकत से लड़ रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं और आसपास भी तबाही मची हुई होती है। वेजिटा बोलता है कि मैंने इतना ज़िंदा पहले कभी महसूस नहीं किया, अगर अब मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें साथ लेके मरूँ। कैकरोट बोलता है कि वेजिटा तुम मेरी सारी उम्मीदों से आगे निकल गए हो, कौन सोच सकता था कि तुम मुझे किसी लड़ाई में इतनी दिक्कत दे सकते हो, तुम एक बहुत ही अच्छे टैक्टिशियन हो और साइकोलॉजिकल गेम भी खेलते हो। इसके बाद दोनों ही फाइनल अटैक्स के लिए तैयार होने लग जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि मेरी ताकत झेलने के लिए तैयार हो जाओ कैकरोट, और वो अपना फाइनल फ्लैश तैयार करने लग जाता है और कैकरोट बोलता है कि तुम कभी नहीं जीतोगे, ये जीत बस मेरी है। दोनों के ही अंदर से इतनी ज़्यादा ताकत निकल रही होती है कि वो धरती के बाहर से भी दिख रही होती है, पर तभी हम स्पेस के बाहर कुछ देखते हैं। हम देखते हैं कि एक स्पेस पॉड धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। इस स्पेसशिप के अंदर जो भी बैठा होता है वो बोलता है कि आखिरकार मुझे धरती पर आने का मौका मिल ही गया, मुझे मौत से पहले धरती को देखना था। अंदर बैठा हुआ एक इंसान दूसरे इंसान से पूछता है कि क्या तुम इसी प्लैनेट के बारे में बात कर रहे थे। दूसरा इंसान जो कि बारडॉग जैसा दिख रहा है वो बोलता है कि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, पर मुझे लगता है कि मुझे अपने मास्क का इस्तेमाल दोबारा करना पड़ेगा। कैकरोट और वेजिटा दोनों ही अपनी पूरी जान से लड़ रहे थे और दोनों ने ही अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी ताकि वो इस फाइट को जीत सकें। अब ये फाइट सिर्फ जीत और हार के बारे में नहीं रह गई थी, अब ये फाइट पूरी सर्वाइवल के बारे में हो चुकी थी। जो भी आज की फाइट में हारेगा उसकी मौत तय है। कैकरोट और वेजिटा की एनर्जी टकराने की वजह से बहुत दूर तक तूफान आ जाता है और ऐसा लग रहा होता है
कि पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से भी वो एनर्जी दिख रही है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि पूरी अर्थ पर इसका इम्पैक्ट महसूस हो रहा था। इतनी ताकत और एनर्जी टकराने की वजह से गोकू और वेजिटा जहाँ लड़ रहे थे वहाँ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। पर अब बस एक ही वॉरियर बचा है और वो है कैकारोट। कैकारोट भी बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कितने लंबे समय से लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि इस फाइट का कोई अंत ही नहीं है, पर आखिरकार इस लड़ाई का अंत बस एक ही अटैक से हो गया। ये लड़ाई जीत के बारे में नहीं थी, ये लड़ाई सर्वाइवल के बारे में थी। अगर मैंने तुम्हारा एक भी मूव गलत तरीके से रीड कर लिया होता तो तुम मेरा सर धड़ से अलग कर देते। वेजिटा, आज तुम बस एक ही वजह से हारे हो, क्योंकि तुमने मुझ पर बहुत अलग अलग तरीके के अटैक्स किए थे। जब भी तुम मुझे ओवरपावर नहीं कर पा रहे थे तुम अलग अलग तरीके के अटैक्स ट्राई कर रहे थे ताकि तुम मेरा ध्यान बटा सको। जैसा कि जब तुमने मेरे इंस्टेंट ट्रांसमिशन की नकल करी, तब मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था। पर एक बात मुझे कभी समझ नहीं आई, वो ये थी कि तुमने मुझ पर अटैक पीछे से क्यों नहीं किया और मेरे फ्रंट से अटैक क्यों किया। जब मैंने उस बारे में सोचा तो उसका आंसर क्लियर था, और वो ये है कि तुम इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ ही नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा प्लान काफ़ी अच्छा था। तुम बार बार ही अलग अलग मूव्स इस्तेमाल करके मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं फ़ाइट पे फोकस ना कर पाऊँ, और मेरा ध्यान बढ़ते ही तुमने मुझ पर फुल स्पीड में अटैक कर दिया और इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साइन का इस्तेमाल किया ताकि तुम मेरा ध्यान बटा सको। वेजिटा, इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत डरा दिया था। टेक्निक्स और ट्रांसफॉर्मेशंस जो मैं इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ और जिनका मुझे लग रहा था कि मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता, वो एक के बाद एक यूज़ हो रही थी। और मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा बस एक ही प्लान था, और वो ये कि तुम अपनी पावर ज़्यादा कंजर्व करना चाह रहे थे, मेरे से बस थोड़ा सा ज़्यादा, और तुम पूरी कोशिश कर रहे थे कि मेरे अंदर कोई भी पावर ना बचे। तुम्हारा शुरू से यही प्लान था कि मैं अपनी सुपर सैयन 3 के ट्रांसफॉर्मेशन में ही रहूँ ताकि तुम कायोकेन का इस्तेमाल करके मुझे थका सको और मुझे सुपर सैयन 3 की फॉर्म में ख़त्म कर सको ताकि तुम्हारी जीत हो सके। मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे पावर के लेवल के हिसाब से तुम बस इसी तरीके से जीत सकते थे। और इसके बाद कैकारोट अपनी सुपर सैयन 1 की फॉर्म में आ जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि पीछे गिनती चल रही होती है 17, 18, 19, और इसके बाद सुपर कायोकेन। जैसे ही सुपर कायोकेन इंटर 20 पहुँचता है, वेजिटा एकदम से कैकारोट पर हमला कर देता है। वेजिटा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होती है, पर फिर भी वो कैकारोट से लड़ने के लिए तैयार होता है। कैकारोट ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है, पर कैकारोट ये भी देख लेता है कि वेजिटा के हाथ कब कब आ रहे हैं। जैसे जैसे वेजिटा कैकारोट की तरफ बढ़ रहा होता है, कैकारोट बहुत हैरान होता है, पर तभी कैकारोट हंसने लग जाता है और ऐसा लगता है कि वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। वो एकदम से वापस अपनी सुपर सैयन 3 की फॉर्म में चला जाता है और वेजिटा के अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। एकदम से वेजिटा कैकारोट से टकराते हुए निकल जाता है, और कैकारोट वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हारी सारी की सारी स्ट्रेटजीज़ मेरे लिए खुली किताब की तरह हैं। वेजिटा एकदम से कैकारोट के पीछे चला जाता है और उसे जोर के खिंचा के लात मारता है। जैसे ही वेजिटा कैकारोट से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है, कैकारोट एकदम से वेजिटा पर अटैक कर देता है, पर वेजिटा के अंदर अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची और वो बोलता है कि मैं हिल नहीं सकता। और जैसे ही कैकारोट वेजिटा पर अटैक करता है, वो अटैक सीधा जाके वेजिटा को लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस फाइनल अटैक के साथ कैकारोट को लगता है कि उसने वेजिटा को हरा दिया है। वो बोलता है कि आखिर ये ख़त्म हो गया, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर एनर्जी बची थी कि वो मेरे अटैक को डॉज कर पाए, और यही कीमत होती है कायोकेन को ज़्यादा इस्तेमाल करने का। मुझे बड़ी हैरानी होगी अगर उसकी मसल्स में जरा सी भी ताकत बची हो और वो तबाह ना हुई हो। इस बार ही मुझे सच में लग रहा है कि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। वेजिटा, तुमने बहुत अच्छा किया। कैकारोट हंसता है और बोलता है कि अब मुझसे कौन लड़ेगा, गोहान या कोई और। तभी वेजिटा दूर से कैकारोट की तरफ उड़ते हुए आ रहा होता है और वो बोलता है कि हमारा मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कैकारोट वेजिटा को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है, पर उसकी बॉडी में भी बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है और वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा होता। वेजिटा एकदम से आगे कैकारोट से टकरा जाता है। वेजिटा और कैकारोट दोनों ही बेजान ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं। वेजिटा की बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई होती है और वो बोलता है कि मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला सकता, मेरे सारे मसल्स ख़राब हो चुके हैं। पर तभी कैकारोट उड़ के आता है और बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, वेजिटा मुझे इतना ज़्यादा कैसे थका सकता है। कैकारोट एकदम से उड़ के वेजिटा के पास जाता है और बोलता है, इस वक्त मेरे में खड़े होने की ताकत भी नहीं है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही हार जाऊंगा। वेजिटा बोलता है कि मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, पर वो भी काफ़ी नहीं रहा, तुम जो करना चाहते हो वो करो। कैकारोट वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा, मैं सच में तुम्हें धीरे धीरे मारना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारी चीखें सुन सकूँ,
पर मैं तुम्हें जल्दी ख़त्म कर दूंगा ताकि मैं थोड़ा रिकवर कर सकूं। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा थका हुआ हूं। इसके बाद वेजिटा अपने मन में सोचने लग जाता है। वो सोच रहा होता है कि क्या ये मेरा अंत है, मेरी आँखें बंद हो रही हैं। इतने सालों बाद मुझे लगा था कि आखिरकार मैं इसकी ताकत के नज़दीक आ गया हूँ। कैकरोट वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा अपने भगवान से आखिरी प्रेयर कर लो। एकदम से कैकरोट वेजिटा को मारने ही वाला होता है। वहाँ पर तभी बू आ जाता है। बू कैकरोट को बोलता है कि रुक जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। कैकरोट बोलता है कि मुझे काफ़ी हैरानी हो रही है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें मिस्टर सेटन के अलावा भी किसी की फिक्र है। अब क्या तुम वेजिटा के बेस्ट फ्रेंड बन गए हो? बू बोलता है कि मुझे वेजिटा पसंद नहीं है पर मुझे उसका एहसान चुकाना है। कैकरोट अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। भले ही बू के पास अब उतनी ताकत नहीं है जितनी पहले थी, पर इस वक्त ये मुझे बड़े आराम से हरा सकता है। वेजिटा बोलता है कि बू तुम इस चीज़ से दूर रहो, ये मेरे और कैकरोट के बीच में है। कैकरोट बोलता है कि तुमने सुन लिया बू, तुम्हारी यहाँ पर किसी को ज़रूरत नहीं है, अब तुम क्या करोगे? बू बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी आधी बात सुनूंगा। तभी बू अपने अंदर एक गहरी सांस लेता है और कैकरोट हैरान रह जाता है। वो बहुत ज़ोर की फूंक मारता है और हर जगह हवा चलने लग जाती है। कैकरोट भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा होता है पर वेजिटा के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। वो एकदम से उड़ जाता है और बू भी बिल्कुल यही चाहता था। वो जैसे ही वेजिटा को उड़ते हुए देखता है वो एकदम से खुद उड़ जाता है। वो वेजिटा के पीछे जाने लग जाता है। कैकरोट बोलता है कि तुम उससे दूर नहीं भाग सकते। एकदम से बू अपने अंदर से अपना थोड़ा सा पार्ट निकालता है और उस पार्ट को वेजिटा की तरफ फेंक देता है और वो पार्ट वेजिटा को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो पार्ट वेजिटा को एकदम छोटी सी बॉल में बदल देता है और बू उस बॉल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और दूर उड़ने लग जाता है। कैकरोट बोलता है कि बू तुम वेजिटा की मदद क्यों कर रहे हो? फिर कैकरोट बोलता है कि कोई बात नहीं, अब मुझे उसकी की ढूंढनी होगी, ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। और कुछ ही सेकंड में कैकरोट बू की को ढूंढ लेता है। कैकरोट अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं उससे लड़ पाऊँ, पर मैं वेजिटा को जिंदा बच के जाने नहीं दे सकता। अब मेरे पास बस एक ही चारा है, स्पिरिट बॉम्ब। इसके बाद कैकरोट धरती पर हर किसी से उसकी एनर्जी मांगने लग जाता है, पर एक तरह से एनर्जी मांग नहीं रहा होता, छीन रहा होता है। और बू भी ये महसूस कर लेता है। वो थोड़ा याद करने की कोशिश करता है, उसे याद आ जाता है कि ये वही एनर्जी है जिस एनर्जी ने किडबू को एंड में हराया था। वो किडबू की हालत के बारे में सोच के घबराने लग जाता है। वो सोच रहा होता है कि अगर मैं इस एनर्जी से टकरा गया तो मैं कभी सेटन को नहीं देख पाऊंगा। और बू को ये भी पता चल जाता है कि कैकरोट उसे ढूंढ रहा है। बू बोलता है कि नहीं अभी नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता, मैं उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करूंगा। बू बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उड़ने लग जाता है ताकि वो कैकरोट से अपना पीछा छुड़ा सके। थोड़ी देर अपनी फुल स्पीड में उड़ने के बाद भी बू बोलता है कि मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। बू कैकरोट से बचने के लिए एकदम से पानी में जाता है, पर पानी में जाने के बाद उसे समझ आ जाता है कि कैकरोट से वहाँ भी सेंस कर सकता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, अगर मैं अपने बहुत सारे छोटे छोटे वर्जन्स बना लूँ तो शायद मैं कैकरोट को कन्फ्यूज़ कर पाऊँ, पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं ओब और वेजिटा को सेव नहीं कर पाऊँगा। दूसरी तरफ कैकरोट भी काफ़ी बड़ा स्पिरिट बॉम्ब बना चुका होता है। कैकरोट बोलता है कि बू तुम एक जगह क्यों नहीं टिकते, मुझे स्पिरिट बॉम्ब की डायरेक्शन बार बार चेंज करनी पड़ रही है और ये कोई मजाक नहीं है। इसके बाद कैकरोट अपने मन में सोचने लग जाता है। वो सोच रहा होता है कि बू से अगर मैं डायरेक्टली लड़ता तो बू मुझे बड़े आराम से हरा सकता था, क्योंकि मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और स्पिरिट बॉम्ब मेरा आखिरी ऑप्शन था, उसे ये पता होना चाहिए था। फिर भी उसने मुझे बॉम्ब बनाने का टाइम क्यों दे दिया? कैकरोट को याद आता है कि वेजिटा ने बू से क्या कहा था। वेजिटा ने कहा था कि बू ये लड़ाई मेरे और कैकरोट के बीच में है तो तुम इससे दूर रहो। और कैकरोट समझ जाता है कि बू वेजिटा को उसकी लड़ाई ख़त्म करने का चांस देना चाहता है। कैकरोट ये भी समझ जाता है कि बू के ऊपर वेजिटा का क्या एहसान था। वो एहसान ये था कि वेजिटा ने ऊब की जान बचाई थी। कैकरोट बोलता है कि चलो अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है, यानी कि मेरे पास टेंशन लेने के लिए कोई बात नहीं है, अब मैं बू वेजिटा और ऊब इन तीनों को एक ही शॉट में ख़त्म कर दूंगा। कैकरोट बोलता है कि बू तुम जहाँ भाग सकते हो भागो, धरती के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम चाहो तो स्पेस में भी चले जाओ, तुम जहाँ भी होगे मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हें ढूंढ के मार दूंगा। बू कोई आइडिया सोचने की कोशिश कर रहा होता है पर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता। वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, अब मैं बस एक ही चीज़ कर सकता हूँ। बू अपनी एनर्जी बढ़ाने लग जाता है और ये चीज़ कैकरोट को भी महसूस हो जाती है। वो सोच रहा होता है कि बू आगे करना क्या चाहता है, क्या वो मुझसे लड़ना चाहता है? वो सोचता है और बोलता है बू के पास एक चांस था पर वो अब उसने गंवा दिया है। कैकरोट बोलता है कि मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, वो आखिर बू है। जब मैंने पिछली बार माजिन बू को हराया था तो मैंने धरती के हर किसी इंसान से उसकी एनर्जी मांगी थी, जितना ज़्यादा वो दे सकते थे, पर भले ही मेरे पास इस वक्त सेटन नहीं है पर ये मेरी गलती नहीं है, अगर वो मेरे साथ अपनी ताकत शेयर नहीं करेंगे तो मैं उनसे वो छीन लूँगा। एकदम से कैकरोट धरती के हर किसी इंसान से उसकी एनर्जी छीनने लग जाता है।
जैसे ही कैकरोट ऐसा करने वाला होता है, पिकलो को महसूस हो जाता है कि कैकरोट क्या कर रहा है। वो सबको बोलता है कि अपने ऊपर एक की शील्ड बना लें। वो सभी लोग अपने ऊपर की शील्ड बना लेते हैं ताकि कैकरोट उनकी एनर्जी छीन ना पाए। पिकलो सभी को बोलता है कि ये शील्ड थोड़ी देर के लिए ना हटाएं। गोहान बोलता है कि अभी ये क्या हुआ था, ऐसा लगा कि किसी ने एक ही सेकंड में मेरी बहुत सारी लाइफ एनर्जी खींच ली। पिकलो बोलता है कि लगता है कि गोकू ने बहुत सारे लोगों की लाइफ एनर्जी खींच ली है। सभी क्रिएचर्स की एनर्जी उनके लिमिट से ज़्यादा खींच ली गई है। पिकलो बोलता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि गोकू स्पिरिट बम को ऐसे यूज़ करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैकरोट ने धरती के सभी लोगों से उनकी लाइफ एनर्जी खींच ली होती है। टीएन और चालसू भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पाए होते हैं। किंका ये सब गुस्से में देख रहे होते हैं और बोलते हैं, गोकू रुक जाओ, तुम मेरी स्पिरिट बम टेक्निक को ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हो? तुम्हें वो टेक्निक मैंने इसलिए सिखाई थी ताकि तुम उन लोगों की जान बचा सको, ना कि उनकी जान को खतरे में डालो। दूसरी तरफ कैकरोट का स्पिरिट बम बिल्कुल तैयार होने वाला होता है और वो बोलता है कि बू, अब मरने का समय आ गया है। और बू भी अपनी टेक्निक यूज़ करने के लिए एनर्जी जुटा चुका होता है। बू एकदम से अपनी सारी एनर्जी रिलीज़ करता है और बू के अंदर से उसके छोटे छोटे पार्ट बन के निकल जाते हैं और हर तरफ फैलने लग जाते हैं। बू के बहुत सारे पार्ट अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। ओरिजिनल बू वहीं पर ज़मीन में गिरने लग जाता है क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। कैकरोट बू की एनर्जी को लॉक किए हुए था और जैसे ही बू अपनी टेक्निक यूज़ करता है, कैकरोट बोलता है कि बू की एनर्जी बहुत सारे अलग अलग दिशाओं में जा रही है। पर कैकरोट को ये चीज़ पता होती है कि इनमें से बस एक ही बू असली है। सारे बू अलग अलग दिशाओं में जा रहे होते हैं और सभी के सभी अपनी एनर्जी छुपा लेते हैं। कैकरोट बोलता है कि लगता है कि बू के पास दिमाग है, उन सभी कॉपीज ने अपनी एनर्जी छुपा ली है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि असली बू कौन सा है। किंकाई ने अपने प्लैनेट से ये सब कुछ देख लिया होता है। वो बू को वेल्डन बोलते हैं। वो बोलते हैं कि इस ट्रिक के बाद गोकू असली माजिन बू को नहीं ढूंढ पाएगा। गोकू हमारे लिए अभी भी बहुत बड़ा खतरा है, पर जब तक वेजिटा जिंदा है हमारे पास जीतने का एक चांस है। हमारे जीतने की होप भले ही कम हो पर थोड़ी सी होप है। अगर गोहान, पिकलो और बाकी लोग थोड़ा सा समय बचा पाएँ और वेजिटा रिकवर कर पाए तो वो ये लड़ाई ख़त्म कर सकता है। हमारे पास ये जीतने का आखिरी चांस होगा। सन गोकू इतना ताकतवर हो चुका है जितना कोई भगवान भी नहीं है और दुनिया में सिर्फ वेजिटा ही है जो उसके सामने खड़ा हो सकता है। कैकरोट अभी भी बू को ढूंढ रहा होता है और वो बोलता है कि अगर तुम जरा सी भी एनर्जी का इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। देखते हैं तुम कितनी देर अपनी एनर्जी को छुपा सकते हो। किंकाई बोलते हैं कि बू को ढूंढने के लिए गोकू अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल कर रहा है। अगर बू ने अब अपनी उंगली भी हिलाई तो बू पकड़ा जाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया की किस्मत बू के हाथों में है। अगर बू जरा सा भी हिला तो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। बू बिना हिले ज़मीन पर लेटा हुआ होता है, पर तभी वहाँ पर एक पपी आ जाता है। वो पपी बू के पास जाता है और बू बोलता है कि मेरे पास मत आओ, यहाँ पर खतरा है, मैं भी हिल नहीं सकता हूँ, तुम जाओ और किसी और के साथ खेलो। इसके बाद बू को बी की याद आने लग जाती है। वो बोलता है कि तुम तो बिल्कुल बी की तरह लगते हो जब मैं उससे पहली बारी मिला था। कैकरोट अभी भी बू को ढूंढ रहा होता है और वो बोलता है कि बू, तुम उससे ज़्यादा देर नहीं छिप पाओगे। अगर तुम एक काया की तरह छुपे हुए रहना चाहते हो तो मैं लोगों से एनर्जी छीनना जारी रखता हूँ। इसके बाद कैकरोट सभी लोगों से उनकी एनर्जी द्वारा खींचने लग जाता है। पिकलो बोलता है कि अगर गोकू ने ये जारी रखा तो धरती एक बंजर ज़मीन बन के रह जाएगी। कैकरोट सभी लोगों से उनकी लाइफ एनर्जी खींच रहा होता है और काफ़ी सारे लोग मारे जा रहे होते हैं और वो पपी बू के चारों तरफ खेल रहा होता है। पर खेलते खेलते उसकी एनर्जी खींच ली जाती है और ये बू से देखा नहीं जाता। बू एकदम से उड़कर उस पपी के पास जाता है और उसे अपनी एनर्जी दे के ठीक कर देता है। कैकरोट को बस इसी समय का इंतज़ार था। कैकरोट एकदम से माजिन बू के ऊपर वो स्पिरिट बम फेंक देता है और बू समझ जाता है कि वो इस एनर्जी पंप को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता और वो यहाँ पे मरने वाला है। वो उस पपी को बचाने के लिए एकदम से हवा में उड़ जाता है और बोलता है कि पपी, यहाँ से चले जाओ। वो बोलता है कि माजिन बू, यहाँ से भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुम्हारी एनर्जी को लॉक कर चुका हूँ और तुम अब मारे जाओगे। कैकरोट स्पिरिट बम की एनर्जी को बू की तरफ मोड़ देता है। स्पिरिट बम माजिन बू से टकरा जाता है और बू बोलता है, लगता है कि मेरा अंत ऐसे ही होना है। बू अपने आखिरी समय में बोलता है कि जब से मैं बाबीडी से अलग हुआ हूँ मेरे साथ कितना कुछ अच्छा हुआ है। मैं सेटन से मिला जो मुझे मेरे लिए पसंद करता था, उसने मुझे कितने अच्छे तरीके से ट्रीट किया। बाय मेरे दोस्त, क्या तुम मेरे बिना ठीक रहोगे? मैं अभी जाना नहीं चाहता। और इसी तरीके से बू का एंड हो जाता है। कैकरोट बोलता है कि आखिर बू मारा गया, पर इसमें मुझे जितना समय लगना चाहिए था उससे ज़्यादा लग गया। पिकरो बोलता है कि अब हमें शेनरॉन को बुलाना चाहिए। किंकाई बोलते हैं कि लगता है अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हमारे लिए कोई भी होप बाकी नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और ऊब दोनों भी जिंदा होते हैं और बू के आखिरी शब्द होते हैं कि अब तुम लोग सेटन के प्लैनेट को बचाओ। कैकरोट ने आखिरकार बू को ख़त्म कर दिया है और उसके अंदर अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है और इसीलिए वो थोड़ी देर आराम करने का फैसला करता है।
कैकरोड बोलता है कि मुझे जल्दी से दूसरों को भी मार देना चाहिए, पर मुझे क्या उस चीज़ का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। फिर वो खुद से बोलता है कि नहीं, अभी मुझे उसे बचा के रखना चाहिए, मुझे फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्लियरली कैकरोड के पास कोई सीक्रेट टेक्निक है जो अभी वो सभी से छुपाए हुए है। इसके बाद कैकरोड थोड़ी देर आराम करने लग जाता है। वो सेंस करता है कि गोहान और बाकी लोग सभी एक ही जगह पर हैं और उसे लगता है कि वो सभी कामे के लुकआउट पर हैं। पर तभी वहाँ पे वो डॉग आ जाता है जिसे बू बचा रहा था। कैकरोड बोलता है कि तुम शायद वही डॉग हो जिसे बू बचा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बू तुम जैसे कमज़ोर जीव को क्यों बचाना चाहता था। वो पपी वहाँ पे आके कैकरोड पे भौंकने लग जाता है और कैकरोड बोलता है कि ये सब बंद करो। कैकरोड के चुप कराने पर भी वो पपी चुप नहीं हो रहा होता और इस बात पर कैकरोड को गुस्सा आने लग जाता है। कैकरोड को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो उस डॉग को ख़त्म करने का फैसला कर रहा होता है। वो उस डॉग पे बीम अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी एकदम से वो रुक जाता है। कैकरोड एकदम से हवा में उड़ जाता है और वहाँ से जाने का फैसला करता है। वो बोलता है कि मैं अपनी एनर्जी अभी फालतू में वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे अपनी एनर्जी की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तभी कैकरोड को कुछ महसूस होता है, पूरा का पूरा आसमान काला पड़ जाता है। कैकरोड बोलता है कि पूरा का पूरा आसमान काला भी पड़ गया, क्या किसी ने शेनरॉन को बुलाया है? क्या ये काम गोहान ने और बाकियों ने किया है? आखिर वो लोग करना क्या चाहते हैं? दूसरी तरफ पिकलो और बाकी लोगों ने शेनरॉन को समन कर लिया है। शेनरॉन ड्रैगन बॉल से बाहर आने के बाद बोलता है कि मैं तुम लोगों की दो विश पूरी कर सकता हूँ अगर वो मेरी पावर में हुई तो। अब तुम लोग मुझे अपनी विश बताओ। गोहान थोड़ी देर सोचता है और शेनरॉन से बोलता है कि मेरे पिता को पहले ऐसा कर दो, पर शेनरॉन बोलता है कि ये विश मेरे पावर में नहीं है। गोहान बोलता है कि क्यों, मैं तुम्हें उन्हें मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पिकलो गोहान से बोलता है कि गोहान तुम्हें पता है कि शेनरॉन तुम्हारी विश पूरी क्यों नहीं कर सकता। गोकू ने पावर की वो हाइट छू ली हैं जो कभी गॉड्स भी नहीं छू पाए हैं। उसकी मर्जी के बिना शेनरॉन कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारे पिता जैसे ताकतवर वॉरियर को बदलने के लिए जितनी पावर चाहिए शेनरॉन के पास उतनी ताकत नहीं है। गोहान बोलता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गोडन तभी पीछे से बोलता है कि एक मिनट रुक जाओ पिकलो, तुम लोग इस वक्त सीरियस नहीं हो सकते, तुम लोग मेरे पिता के बारे में बात कर रहे हो। गोहान बोलता है कि गोडन मुझे पता है कि तुम्हें बैटल्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, और तुम्हारे बोलने के तरीके से पता चल रहा है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बात को समझने की कोशिश करो, अगर शेनरॉन हमारे पिता को सही नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। गोटेन फिर भी नहीं समझ रहा होता। तभी ट्रंक्स वहाँ पे आता है और बोलता है गोटेन शांत हो जाओ, तुम कोई अंधे नहीं हो, तुमने महसूस किया था कि मेरे और तुम्हारे पिता कितने बुरी तरीके से लड़ रहे थे। गोटेन बोलता है कि तो क्या हुआ, तुम्हारे पिता और मेरे पिता तो हमेशा ही लड़ते रहते हैं। मैंने सही कहा ना ट्रंक्स, तुम लोग इतनी फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? इस वक्त हम मेरे पिता के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे पिता किसी को भी सीरियसली डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। तभी पिकलो को समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो बोलता है कि हमने बातें करने में बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। पिकलो गोहान से बोलता है कि हमने देरी कर दी और ये अंत की शुरुआत है। तभी गोहान देखता है कि वहाँ पे कैकरोट आ चुका है। कैकरोट एकदम से नीचे आता है और हमारे वॉरियर्स के सामने खड़ा हो जाता है। गोटेन और गोहान दोनों ही कैकरोट को देख के हैरान होते हैं। पिकलो हंसता है और बोलता है कि मैं गोकू से बात करता हूँ। पिकलो गोकू से पूछता है कि गोकू तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? कैकरोट पिकलो से बोलता है कि मेरे साथ खेलने की जरूरत नहीं है, मुझे जल्दी से बताओ कि तुम लोग उन ड्रैगन बॉल्स के साथ क्या करना चाहते हो। तभी पीछे से गोडन बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। डैड पिकलो आप लोग मजाक करना बंद करो, अब ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पिकलो गोटन से बोलता है कि गोटन हम लोग तुम्हें बार बार सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो। तुमने साबित कर दिया है कि तुम इस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि तुम खुद को खतरे में डालो। कैकरोट एकदम से खड़े खड़े फैसला कर लेता है कि वो ड्रैगन बॉल्स को ख़त्म कर देगा और एकदम से वो ड्रैगन बॉल्स पर अटैक कर देता है। पिकलो कैकरोट को टाइम पे देख लेता है और वो गोहान और ट्रंक्स को बोलता है कि ड्रैगन बॉल्स को बचाए। एक बहुत ही ज़ोरदार धमाका होता है और पिकलो गोटेन को बचा लेता है। पिकलो बोलता है कि गोकू तुम्हारा खुद पर कोई कंट्रोल रह भी गया है या नहीं? गोटेन ये देख के बहुत ही हैरान होता है। गोहान और ट्रंक्स दोनों मिलकर शेनरॉन को टाइम पर बचा लेते हैं। कैकरोट ये अटैक करने के बाद बोलता है कि मेरी एनर्जी ख़त्म हो रही है और मेरे पास ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है, और वो बोलता है कि पर फिर भी मैं तुम लोगों को आराम से संभाल सकता हूँ। कैकरोट एकदम से सुपर सैयन में बदल जाता है और बोलता है कि अब बताओ तुम में से सबसे पहले कौन मरना चाहेगा। गोहान और ट्रंक्स ये सब कुछ देख रहे होते हैं और पिकलो बोलता है कि लगता है हमें आखिरकार गोकू से लड़ना ही पड़ेगा, और एकदम से ट्रंक्स उसके पीछे से आगे आ जाता है और कैकरोट से बोलता है कि गोकू मुझे बताओ कि आखिरकार मेरे पिता कहाँ पर हैं। कैकरोट एकदम से हंसता है और ट्रंक्स बोलता है कि कहीं तुमने उन्हें, कैकरोट बोलता है कि तुम सही समझे ट्रंक्स, मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया है, पर तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें जल्दी ही उसके पास भेज दूंगा। ट्रंक्स को एकदम से गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं जानता था। ट्रंक्स एकदम से सुपर सैयन में कन्वर्ट हो जाता है। पिकलो ट्रंक्स को समझाने की कोशिश करता है कि ट्रंक्स शांत हो जाओ, गोकू तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंक्स गुस्से में गोकू से बोलता है कि इससे पहले मैं सब कुछ भूल जाऊँ मुझे ये बताओ क्या मेरे पिता किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे?
गोकू बोलता है कि नहीं। ट्रंक्स बोलता है कि क्या वो हर जगह तबाही मचा रहे थे। गोकू बोलता है कि नहीं। ट्रंक्स पूछता है कि फिर क्यों तुमने मेरे पिता को बेमतलब मार दिया। गोकू बोलता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैंने वेजिटा, ऊब और माजिन बू इन सबको इसलिए मारा क्योंकि मेरा मन कर रहा था। ट्रंक्स को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो गोकू पे हमला कर देता है। गोहान ट्रंक्स को रोकने की कोशिश करता है पर पिकलो गोहान को रोक देता है। ट्रंक्स जैसे ही गोकू तक पहुंचता है गोकू एकदम से गायब हो जाता है और एकदम से ट्रंक्स के पीछे चला जाता है। गोकू ट्रंक्स से बोलता है कि आखिर तुम हमला किस पे कर रहे थे। ट्रंक्स एकदम से गोकू से खुद को बचाता है पर गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है और ट्रंक्स के आगे चला जाता है और ट्रंक्स को रोक लेता है। गोकू ट्रंक्स को एक जोरदार गुस्सा मारता है। गोहान ये देख के हैरान होता है कि उसके पिता इस हालत में भी ट्रंक्स से लड़ पा रहे हैं। पिकलो बोलता है कि गोहान शांत हो जाओ, ट्रंक्स अभी खुद को संभाल सकता है। गोकू इस वक्त अपने लिमिट पर लड़ रहा है। भले ही ट्रंक्स ने थोड़ी सी ट्रेनिंग करी हो पर वो ट्रेनिंग उसे वेजिटा ने दी थी और इस हिसाब से अगर हम गोकू की हालत देखें तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई डरने की बात है। ट्रंक्स गोकू से बराबरी पर लड़ रहा होता है पर गोकू के पास अभी भी बहुत ताकत होती है और वो ट्रंक्स को खिंचा के लात मारता है। ट्रंक्स थोड़ा सा पीछे जाता है और एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने की तैयारी करता है। गोकू इस अटैक को देख के हंस रहा होता है पर गोहान बोलता है कि अगर ये अटैक डैड को लगता है तो वो भी उससे नहीं बच पाएंगे। ट्रंक्स एकदम से अपना फाइनल फ्लैश का अटैक गोकू पे करता है और गोकू को भी समझ आ जाता है कि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इस अटैक के बाद गोकू गायब हो जाता है। पिकलो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। ट्रंक्स एकदम से शांत हो जाता है। गोटेन और गोहान दोनों ही बहुत हैरान होते हैं कि ट्रंक्स ने उनके पिता को हरा दिया है। वो सभी लोग नीचे उतर जाते हैं और ट्रंक्स गोटेन को समझाने की कोशिश करता है। पिकलो बोलता है कि ये काफ़ी है, अब हमें गोकू की एनर्जी को ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। ट्रंक्स पिकलो से बोलता है कि वो अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर था, अगर इस वक्त गोकू बच गया होगा तो मुझे बड़ी हैरानी होगी। पिकलो बोलता है कि ट्रंक्स तुम्हारा अटैक बहुत अच्छा था पर इस वक्त हम गोकू की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे चोट पहुंचा पाए होगे। तभी हम देखते हैं कि गोकू कहीं और पहुंच गया है अपनी जान बचाने के लिए। गोहान पिकलो से बोलता है कि अगर डैड हारे नहीं है तो हमें जल्दी से अपनी विश मांग लेनी चाहिए। पिकलो इसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर गोकू अभी ज़िंदा है तो भी मैं उसे अपना प्लान नहीं बताना चाहता, अगर उसे मेरे प्लान के बारे में पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर गोकू करना क्या चाहता है। पिकलो शेनरॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज़ ड्रैगन बॉल्स में लौट जाए। शेनरॉन पिकलो को बोलता है कि वो जानता है कि इस वक्त क्या चल रहा है तो वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेगा और पिकलो ये भी रिक्वेस्ट करता है कि सारी ड्रैगन बॉल्स धरती पर ना फैले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू किंगकाय के प्लैनेट पर पहुँच गया है और वो किंगकाय से बोलता है कि पिकलो सही बोल रहा है, वो काफ़ी सावधानी से चल रहा है। गोकू किंगकाय से बोलता है कि मुझे माफ़ करना पर मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं इस वक्त थका हुआ ज़रूर हूँ पर मैं इस हालत में भी तुम्हें बड़े आराम से संभाल सकता हूँ, मुझे थोड़ा रिकवर करने का टाइम चाहिए और मैं पिकलो के प्लान को भी जानना चाहता हूँ और ये जगह मेरे लिए बहुत ही सही है। किंगकाय गोकू से पूछते हैं कि तुम्हें यह कैसे पता कि तुम मेरे ज़रिए से बाकी लोगों को देख सकते हो। गोकू बोलता है कि मुझे नहीं पता पर ये मुझे पता नहीं होना चाहिए था। किंगकाय बोलते हैं कि गोकू तुम बड़े ही खतरनाक इंसान हो। गोकू बोलता है कि अभी मैं पिकलो और बाकी लोगों को संभालने के लिए काफ़ी वीक हूँ, मैं अभी ट्रंक से बिल्कुल हारने ही वाला था, पता नहीं क्या होता अगर मैंने टेलीपोर्ट नहीं किया होता, पर एंड में सब कुछ ठीक हो गया। किंगकाय गोकू से पूछते हैं कि अगर तुम्हें पता था कि तुम हार जाओगे तो तुम उन लोगों के पास क्यों गए थे। गोकू बोलता है कि मेरे लिए उनका प्लान जानना जरूरी था, मैं ये जानना चाहता था कि आखिर वो ड्रैगन बॉल्स के साथ क्या करना चाहते हैं, मुझे थोड़ा आइडिया ज़रूर था कि वो क्या करेंगे पर मुझे पक्का नहीं पता था, पर लड़ाई के बाद मेरे टेलीपोर्ट कर लेने से वो लोग डिस्ट्रैक्ट ज़रूर हो गए हैं। जब तक वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ तब तक मैं अच्छी तरीके से रिकवर कर लूँगा। किंगकाय अपने मन में सोचते हैं कि गोकू ने सब कुछ अच्छे तरीके से सोच रखा है, पिकलो भी ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक गोकू देख रहा है। धरती पे काफ़ी समय बीत गया होता है और हमारे हीरोज़ कुछ भी नहीं कर पाए होते हैं। सभी लोग गोकू की एनर्जी को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और पिकलो बोलता है कि हमें थोड़ा और फोकस करना होगा। ट्रंक्स बोलता है कि पिकलो मुझे नहीं लगता कि गोकू सर्वाइव कर पाया होगा, मेरे अटैक के टाइम गोकू काफ़ी थका हुआ था, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे अटैक को डॉज कर पाया होगा और वो अटैक गोकू की बॉडी के काफ़ी नज़दीक भी था, सबसे बड़ी बात हम उसकी एनर्जी को ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। गोकू ऑलरेडी ऊब, माजिन बू और वेजिटा के साथ लड़ चुका था तो उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, वो चाहे कितना भी बड़ा मॉन्स्टर हो उसकी भी कोई ना कोई लिमिट ज़रूर होगी। गोटेन भी ट्रंक्स का साथ देता है, वो बोलता है कि ट्रंक्स सही कह रहा है, हमें शेनरॉन को बुलाना चाहिए और मेरे डैड और बाकी सभी लोग जो आज मरे हैं उन्हें ज़िंदा कर लेना चाहिए। इस बात पर पिकलो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि क्या तुम लोग खुद को सुन नहीं पा रहे हो, गोकू इस दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर था, तुम्हें क्या सच में लगता है कि ट्रंक्स के छोटे से अटैक से उसे कोई फ़र्क पड़ा होगा। ट्रंक्स पिकलो को बोलता है कि पिकलो समझने की कोशिश करो। पिकलो कहता है कि तुम सभी बच्चे बेवकूफ़ हो, तुम लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कि गोकू के अटैक का पैटर्न क्या था, वो तुम्हारे काफ़ी नज़दीक से लड़ रहा था, वो चाहता था कि तुम उस पर एक बड़ा अटैक करो और तुमने वही किया,
उसने उस अटैक के दौरान टेलीपोर्ट करके उसे डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज़ किया ताकि सबको लगे कि वो मारा जा चुका है। उसने ये सब कुछ मेरा प्लान जानने के लिए किया है ताकि वो दूर से मेरा प्लान आराम से समझ सके। सभी लोगों को समझ आ जाता है कि पिकलो सही बोल रहा है, पर पिकलो को एक बात समझ नहीं आई होती कि गोकू ने पूरे प्लैनेट को ख़त्म क्यों नहीं किया, क्योंकि पिकलो और बाकी कोई भी जी वॉरियर उसकी बराबरी का नहीं है। इसके बाद पिकलो याद करने लग जाता है कि गोकू हमेशा से कैसा वॉरियर रहा है। वो याद करता है कि जब वो डीमन लॉर्ड था तब उसने गोकू से बराबरी की लड़ाई करी थी क्योंकि उनकी ताकतें बराबर थी, पर गोकू हमेशा पिकलो से एक स्टेप आगे ही रहा है, वो एक स्टेप जो पिकलो कभी भी पार नहीं कर पाया। और एक समय आया जब गोकू उससे आगे निकल गया। पिकलो सोचता है कि ऐसा कई बार ही हुआ है जब मैंने गोकू को सरपास किया है, पर वो गोकू से ज़्यादा समय आगे नहीं रह पाया। पिकलो ने चाहे कितनी भी कोशिश करी पर गोकू और उसकी ताकत का गैप बढ़ता ही चला गया। फ्रीजा और सेल से लड़ाई के बाद पिकलो और गोकू की ताकत में इतना ज़्यादा फर्क आ गया कि पिकलो और गोकू की ताकत की अब कोई बराबरी ही नहीं है। इसके बाद गोहान बोलता है कि ठीक है पिकलो, तुम सही कह रहे हो, पर इस वक्त डैड कहाँ पर होंगे? पिकलो बोलता है कि वो मुझे नहीं पता, पर एक बात जो मुझे पता है वो ये है कि हमें इस वक्त देखा जा रहा है। इसके बाद ट्रंक्स गोटेन से बोलता है कि गोटेन, मुझे नहीं लगता कि गोकू ने मेरे अटैक को सर्वाइव किया होगा, पर पिकलो जो बोल रहा है वो चीज़ भी सही हो सकती है, तो अगर मुझे गोकू अगली बार दिखेगा तो उससे मैं अपने पिता का बदला ज़रूर लूँगा। गोहान अपने मन में सोच रहा होता है कि डैड, अगर आपके सीएन स्ट्रिक्ट वापस भी आ गए हैं तो आप हमारे पिता तो अभी भी हैं। मुझे खुद से ज़्यादा फिक्र गोटेन की है, गोटेन ने सिचुएशन को अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। ट्रंक्स को वेजिटा ने ट्रेन किया है और मुझे मेरे डैड और पिकलो ने ट्रेन किया है, पर गोटेन को लड़ाई का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसने ज़िंदगी में बस एक ही बार ट्रेनिंग करी है जो हमने वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट से पहले करी थी। उस ट्रेनिंग से भले ही हम दोनों को फ़ायदा हुआ था, पर मैं पिकलो और वेजिटा की तरह सब ट्रेनर नहीं हूँ, तो गोटेन की ट्रेनिंग लगभग ना के बराबर है। तभी हम किंकाई के प्लैनेट पर देखते हैं कि गोकू की ताकत वापस आ जाती है और किंकाई गोकू को बोलते हैं कि तुम्हारी एनर्जी वापस आ चुकी है। मैं ये देख के हैरान हूँ कि तुमने इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर लिया। इसके बाद गोकू हंसता है और बोलता है कि वेजिटा के साथ की हुई लड़ाई ने मेरे को और ज़्यादा ताकतवर बना दिया है। इसके बाद गोकू थोड़ा शांत हो जाता है। गोकू किंकाई को बोलता है कि किंकाई, मैंने कुछ देखा, जिस सेकंड मेरी ताकत वापस लौटी मैंने अपने दिमाग में कुछ झलक देखी, जो चीज़ें मेरे साथ हुई भी नहीं हैं और हुई भी हैं। हम देखते हैं कि गोकू के दिमाग में काफ़ी सारी इमेजेस आती हैं जो कि दूसरे टाइमलाइन से हैं, जैसे कि बीरस, गोकू ब्लैक, फ्रीजा और सुपर सैयन गॉड गोकू। उसे और भी टाइमलाइंस की झलक दिखती है। गोकू किंकाई को बोलता है कि जो मैंने देखा वो भी हमारी दुनिया की तरह ही रियलिटीज़ थी, जहाँ पर इवेंट्स थोड़े अलग तरीके से हुए थे। किंकाई बोलते हैं कि गोकू, तुम क्या कहना चाहते हो? गोकू किंकाई को समझाता है। वो किंकाई से पूछता है कि किंकाई, आपने कभी क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में सुना है? वो दुनिया के सबसे बड़े गॉड्स होते हैं। किंकाई बोलते हैं कि नहीं, मैंने किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं सुना है। हमारे दुनिया के टॉप गॉड्स ग्रैंड काय और सुप्रीम काय होते हैं। आखिर तुमने क्या देखा है? गोकू बोलता है कि यानी जो मैंने सोचा था वो सही है, इस दुनिया में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है, हमारे दुनिया की रियलिटी अलग है। उसी तरीके से जब ट्रंक्स हमारी टाइमलाइन में वापस आया था ताकि वो मेरी ज़िंदगी बचा सके, पर ऐसी दुनिया भी है जहाँ पर मैं मारा जा चुका हूँ। गोकू बोलता है कि पूरी दुनिया की रियलिटी एक सिंगल डिसीजन या एक्शन से बदली जा सकती है। किंकाई बोलते हैं कि ये दुनिया एक बहुत ही बड़ी जगह है और ये बहुत पुरानी भी है, हम सभी लोगों से बहुत ज़्यादा पुरानी, और इसीलिए ये बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरी हुई है। तुम जिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हो, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना है। गोकू बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हमारी रियलिटी में है, मैंने एक ऐसी दुनिया भी देखी जहाँ पर 12 यूनिवर्स थे, हमारी दुनिया हमारी चॉइसेस की वजह से ऐसी है। मैंने जो इवेंट दूसरी दुनिया में देखे वो शायद हमारी दुनिया में कभी भी नहीं होंगे, और हम सभी को उसी तरीके से जीना भी होगा। इसके बाद गोकू बहुत ही अजीब चीज़ बोलता है। वो बोलता है कि शायद मेरे ऐसे बनने की वजह भी कोई होगी, वो शायद हमारी चॉइसेस की वजह से ही है, और मुझे लगता है कि इसके पीछे भी कोई प्लान होगा। किंकाई को लगता है कि गोकू शायद वापस आ गया है, पर तभी गोकू चिल्लाता है और बोलता है कि तुम पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम सोच में पड़ गए हो। गोकू वापस कैकरोट बन जाता है और बोलता है कि पिकलो में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, मुझे लगा था कि वो मेरे गायब होने की वजह से अपना प्लान बता देगा, और मुझे नहीं लगता कि वो अपना प्लान बताने वाला है, क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं भी ज़िंदा हूँ, अब मेरी ताकत वापस आ गई है और अब मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, और अब धरती पर ऐसा कोई भी नहीं बचा है जो मुझे रोक सकता है। इसके बाद गोकू पावर अप करने लग जाता है और बोलता है कि पिकलो, गोहान, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। गोकू अपनी नई ताकत से इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो और ज़्यादा पावर अप करने लग जाता है, और किंकाई बोलते हैं कि रुक जाओ वरना तुम मेरा पूरा प्लैनेट तबाह कर दोगे, और इसके बाद गोकू रुक जाता है। गोकू किंकाई से बोलता है कि अभी मुझे इस जगह की ज़रूरत है,
तो अभी मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बॉडी क्या कर सकती है। अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। किंकाई गोकू को रोकते हैं और उसके कपड़े ठीक कर देते हैं। गोकू भी इस चीज़ से काफ़ी हैरान होता है। गोकू किंकाई से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। किंकाई बोलते हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये शायद बस मेरी इस दुनिया की चॉइस है। किंकाई गोकू से पूछते हैं कि मुझे इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में बताओ जो तुमने अपनी विजन्स में देखा था। गोकू बोलता है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सुप्रीम काय से भी ऊपर कोई गॉड होता है। किंकाई कुछ समझ नहीं पाते। वो बोलते हैं अभी तुम बात कर रहे थे ना कि चॉइसेस और एक्शन से कितना दुनिया में बदलाव आ सकता है। गोकू बोलता है कि तुम किस बारे में बोल रहे हो। किंकाई बोलते हैं कि अगर तुम्हें नहीं याद तो मैं किससे बात कर रहा था, क्या वो सिर्फ मेरी कल्पना थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सच में रियल था। गोकू बोलता है कि किंकाई तुम्हारे रिटायर होने का टाइम आ गया है, और इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। गोकू के जाने के बाद किंकाई बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब जी वॉरियर जीत पाएंगे, पर अगर जो मैंने देखा वो मेरी कल्पना नहीं थी तो हो सकता है कि गोकू के ऐसे बनने की कोई वजह हो। हमारे जी वॉरियर अभी भी गोकू को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं पर उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा होता, और ट्रंक्स और गोटेन के बीच में बहस छिड़ जाती है क्योंकि ट्रंक्स गोकू को मारने के बारे में बात कर रहा होता है। पिकलो उन दोनों को शांत कराता है, पर तभी ट्रंक्स और गोटेन के बीच में गोकू आ जाता है जिससे वो लोग एकदम से चौंक जाते हैं। गोकू की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और पिकलो को ये महसूस हो जाता है। गोकू बिना देरी करे एकदम से गोटेन पर अटैक कर देता है। ट्रंक्स गोटेन की ऐसी हालत देख एकदम से गुस्सा हो जाता है और एकदम से गोकू पर अटैक करने ही वाला होता है। पिकलो ट्रंक्स को समझाने की कोशिश करता है कि गोकू अब बदल चुका है, पर इससे पहले कि ट्रंक्स गोकू पर अटैक करे गोकू एकदम से ट्रंक्स पर अटैक कर देता है और ट्रंक्स और गोटेन अब दोनों बेहोश हो चुके हैं। इसके बाद गोकू बोलता है कि वेजिटा और मेरी लड़ाई की वजह से मैंने ताकत की नई हाइट छू ली है। इस लड़ाई ने मेरी ताकत को इतना बढ़ा दिया जितना पिछले कई सालों में नहीं बढ़ी थी। अब मैं ताकत की नई ऊंचाइयों को छू चुका हूँ और ऐसी ताकत वेजिटा कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तुम लोग भी तैयार हो जाओ क्योंकि ये अंत की शुरुआत है। धरती का रक्षक अब धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है और वेजिटा के साथ फाइट करने की वजह से संगोकू की ताकत और ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है। गोकू को ट्रंक्स और गोटन को हराने में कुछ भी समय नहीं लगा और अब बस दो ही वॉरियर बचे हैं, पिकलो और गोहान, जिनकी ताकत अभी गोकू के आसपास भी नहीं है। गोकू गोहान और पिकलो से बोलता है कि मैं अपनी ताकत से खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होगी। गोकू बोलता है कि लगता है कि साइंस की ताकत की कोई लिमिट ही नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं आखिरी बार इतना एक्साइटेड कब हुआ था। गोटन और ट्रंक्स अब फाइट नहीं कर सकते क्योंकि पीस के समय में उन लोगों ने ट्रेनिंग करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। गोकू गोहान से बोलता है कि गोहान मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा देर लड़ पाओगे। गोहान बोलता है कि मुझे इस वक्त डैड की एनर्जी बिल्कुल ही ईवल लग रही है। पिकलो बोलता है कि गोकू क्या तुम सच में यही चाहते हो, क्या तुम अपने बेटे के साथ सच में एक डेथ मैच चाहते हो। गोकू बोलता है कि पिकलो बीच में मत बोलो, कमज़ोरों को यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। गोकू गोहान से बोलता है कि गोहान मैं तुम्हारे साथ एक 1-on-1 मैच चाहता हूँ, मैं अपनी थोड़ी सी एनर्जी ख़त्म करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। वेजिटा से लड़के मुझे बहुत मज़ा आया पर मुझे लगता है कि तुम वेजिटा से भी ज़्यादा ताकतवर हो। गोकू लड़ाई के लिए तैयार हो गया होता है और पिकलो महसूस करता है कि ज़ेंकाई बूस्ट के साथ गोकू की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गोहान देखता है कि पिकलो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और जैसे ही गोकू ये सब देखता है वो एकदम से गोहान पर अटैक कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारा मैच चालू हो चुका है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी तरफ देखने की। जैसे ही गोकू गोहान तक पहुंचने वाला होता है पिकलो एकदम से गोहान को बचा लेता है और गोकू पिकलो से टकरा जाता है। गोहान ये सब कुछ देख के एकदम शॉक्ड रह जाता है। गोहान पिकलो से इस गलती के लिए माफ़ी मांगता है और पिकलो गोहान से बोलता है कि गोहान तुम अब समझे हम अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं, हमारी एक गलती हमें मौत के दरवाजे तक पहुँचा देगी। पिकलो गोहान से बोलता है कि गोहान अब मेरी बात ध्यान से सुनो, गोकू से डायरेक्टली लड़ाई करने की कोशिश करना बेकार है, हमें ये बात ध्यान में रख के लड़ना होगा कि हम धरती की आखिरी उम्मीद हैं और हमारी हार का मतलब है धरती का अंत। गोकू पिकलो की बात सुन लेता है और गोहान से बोलता है कि गोहान तुम ये बात पहले नहीं समझते क्या, तुम्हारे जीतने की वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है, ये तुम्हारी दुनिया का अंत है। इसके बाद गोकू पिकलो से बोलता है कि पिकलो मैंने तुम्हें बस छुआ था और देखो क्या हो गया, और हम देखते हैं कि पिकलो का एक हाथ टूटा हुआ है जो कि गोकू के पिकलो से टकराने से हुआ था। गोहान भी पिकलो की हालत देख के बहुत हैरान होता है। पिकलो गोहान से बोलता है कि गोहान मेरे हाथ द्वारा से उग सकता है तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर गोकू को कोई और चांस मत देना। पिकलो अपने मन में सोचता है कि गोकू तो गोहान को मारने से बिल्कुल भी नहीं डरता और पिकलो गोहान से बोलता है कि गोहान अब इस लड़ाई को हल्के में मत लेना, गोकू हमें मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। गोकू गोहान और पिकलो से बोलता है कि आखिरकार तुम लोग समझ ही गए, और वो पिकलो के हाथ को फेंक देता है। पिकलो बोलता है कि गोकू तुम क्या चाहते हो, कि क्या मैं आसानी से हार मान जाऊँ। गोकू पिकलो से बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, इस लड़ाई का बस एक ही रिजल्ट है।
और वो ये है कि तुम मुझसे हारोगे क्योंकि तुम्हारी ताकत मेरे आसपास भी नहीं है। पिकलो गोहान से बोलता है कि गोहान ये तो हमें कुछ भी नहीं समझता। गोहान बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास अभी भी वो ताकत है या नहीं है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें रोक सकूँ। पिकलो गोहान की बात सुनकर हैरान होता है और बोलता है कि गोहान क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे। गोकू भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और उसके अंदर से ईवल एनर्जी निकल रही होती है। गोकू गोहान से बोलता है कि गोहान अपनी एनर्जी थोड़ी और बढ़ाओ ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेल पाऊँ, और गोहान बिल्कुल हैरान रह जाता है। गोहान बोलता है मैं इस वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। गोहान पिकलो से बोलता है कि तुम गोटन और ट्रंक्स के पास जाओ। पिकलो गोहान से बोलता है कि ठीक है, पर तुम कुछ भी केयरलेस मत करना। गोहान पिकलो से बोलता है कि पिकलो तुम यहाँ से चले जाओ और मुड़कर मत देखना। गोकू गोहान से बोलता है कि चलो लड़ाई शुरू करो, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। गोहान गोकू से बोलता है कि हम यहाँ से कहीं और जाके लड़ेंगे डैड। गोकू बोलता है कि लगता है तुम अभी भी आसपास के लोगों के बारे में सोच रहे हो, चलो जहाँ चलना है। गोकू और गोहान दोनों उड़ जाते हैं और पिकलो अपने मन में सोच रहा होता है कि गोहान क्या तुम सच में सन गोकू के साथ सीरियसली लड़ सकते हो। गोकू और गोहान दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और गोहान बोलता है कि डैड क्या हम इस फाइट को अवॉइड नहीं कर सकते। गोकू गोहान पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और गोहान समझ जाता है कि यही उसके फादर का आंसर है। गोकू गोहान पर अटैक करने वाला होता है और बोलता है कि गोहान तुमसे फिर मिलता हूँ, और वो एकदम से गोहान पर अटैक कर देता है। गोहान एकदम से हैरान रह जाता है और गोहान का नामो निशान भी मिट जाता है। पिकलो गोकू की ऐसी हरकत से हैरान रह जाता है। वो बोलता है ये सब मेरी गलती है, मैंने ऐसा कैसे होने दिया, मुझे पता होना चाहिए था कि ये होने वाला है। और अब पिकलो समझ जाता है कि वो धरती की आखिरी उम्मीद है क्योंकि गोहान, ट्रंक्स और गोटेन इनमें से कोई गोकू का सामना नहीं कर सकता। तभी पिकलो गोटेन और ट्रंक्स को देखता है। पिकलो बोलता है कि ये लोग इसीलिए हार गए क्योंकि ये लड़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ट्रंक्स की इंजरी भी बहुत ज़्यादा है पर गोटेन से कम है। पिकलो टेलीपैथी से ट्रंक्स को जगाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि ट्रंक्स अपनी आँखें खोलो, तुम अभी तक सो क्यों रहे हो, जल्दी से अपनी आँखें खोलो ट्रंक्स। धीरे धीरे ट्रंक्स अपनी आँखें खोलने लग जाता है और एकदम से होश आ जाता है। पिकलो ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स तुम्हारी इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हें ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, पर तुम्हारी ये बात जानना ज़रूरी है कि गोहान अब हार चुका है। ट्रंक्स बोलता है तो लगता है गोहान मारा जा चुका है। ट्रंक्स बोलता है कि यानी ये लड़ाई जीतना अब हम पे है। पिकलो ट्रंक्स से बोलता है कि हम गोकू की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसके अटैक की वजह से तुम्हारी काफ़ी सारी पसलियाँ टूट चुकी हैं। ट्रंक्स बोलता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। पिकलो बोलता है कि बेवकूफ मत बनो, तुम इस वक्त जिस हालत में हो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। ट्रंक्स बोलता है तो मैं अब क्या करूँ। पिकलो बोलता है कि अब मैं गोकू से लड़ने वाला हूँ, तुम गोटेन को लो और डंडे के पास जाओ, तुम बुलमा को लेकर भी अपने साथ जाना, इस वक्त रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम ही हमारी आखिरी उम्मीद है। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे अपने पिता का बदला लेना है, मैं डरपोकों की तरह भाग नहीं सकता। पिकलो बोलता है कि शांत हो जाओ ट्रंक्स, अगर तुमने अपनी एनर्जी और बढ़ाई तो गोकू तुम्हें महसूस कर लेगा। मैं तुम्हें डर के भागने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें टाइम आने पर अटैक करने के लिए ज़रूर बोलूँगा। पिकलो बोलता है कि वेजिटा, ऊब और माजिन बू और अब गोहान भी, इन सभी ने गोकू से लड़ने की कोशिश करी पर ये सभी हार गए, और तुम्हारी इंजरीज भी बहुत ज़्यादा हैं और मेरी भी ताकत बहुत ही कम है। ट्रंक्स बोलता है कि पिकलो क्या तुम गोकू से खुद लड़ना चाहते हो। पिकलो बोलता है कि मुझे गोकू का ध्यान बटाना होगा, टीएन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, उसके पास ड्रैगन बॉल्स हैं, अब मेरा प्लान ख़राब हो चुका है। पिकलो का ओरिजिनल प्लान था ड्रैगन बॉल्स का यूज़ करके गोकू के खिलाफ गोहान को एडवांटेज देना। पिकलो ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, पर इस वक्त तुम लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हो, और ट्रंक्स को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पिकलो बोलता है कि अब ये लड़ाई जीतना मेरे ऊपर है। पिकलो ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स मैंने तुमसे जैसा कहा वैसा करो। ट्रंक्स पिकलो से बोलता है कि पिकलो क्या तुम्हारे पास गोकू से लड़ने के लिए कोई प्लान है। ट्रंक्स पिकलो को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि पिकलो दो फाइटर्स एक फाइटर से अच्छे होते हैं, मुझे तुम्हारे साथ लड़ना चाहिए। पिकलो ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो मेरा प्लान क्या है, मैं चाहता हूँ कि तुम और गोटेन फ्यूज़ करो, यही हमारी आखिरी उम्मीद है, पर तुम दोनों की ताकत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है जिसकी वजह से फ्यूजन इम्पॉसिबल है, और इस वक्त गोटेन भी इस वक्त ऐसी हालत में नहीं है कि तुम उसके साथ फ्यूज़ कर सको। अगर तुम किसी तरीके से अभी फ्यूज़ भी कर पाओ तो तुम दोनों का फ्यूजन इफेक्टिव नहीं होगा और तुम लोग गोकू से हार जाओगे, फ्यूजन हमारी आखिरी उम्मीद होगा, तुम दोनों जाओ और ट्रेन करो ताकि तुम इतने ताकतवर हो सको ताकि तुम गोकू के सामने खड़े हो सको। पिकलो ट्रंक्स से बोलता है कि ट्रंक्स अगर तुम मेरी बात समझ गए हो तो जल्दी से जाओ। इसके बाद पिकलो गोहान की मेमोरीज को याद करता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद पिकलो पावर अप होने लग जाता है और एकदम से गोकू से लड़ने के लिए उड़ जाता है। ट्रंक्स पिकलो की एनर्जी को महसूस करता है और बोलता है कि पिकलो की एनर्जी बहुत ही कमाल की थी, पर गोकू के सामने उसकी एनर्जी ज़्यादा नहीं थी। इसके बाद ट्रंक्स अपने मन में बोलता है कि पिकलो आखिर तुम करना क्या चाहते हो। एकदम से गोकू को पिकलो की एनर्जी महसूस हो जाती है। पिकलो गोकू के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि गोकू तुमने सच में अपने बेटे को मार दिया। गोकू बोलता है कि गोहान मुझे इरिटेट कर रहा था, जब दुनिया खतरे में थी वो बोल रहा था कि वो मेरे से लड़ना अवॉइड करना चाहता है। एक सैयन जो लड़ना नहीं चाहता उसको जीने का कोई भी हक नहीं है।
पिकलो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुमने अपने बेटे को बस इतने छोटे से रीज़न के लिए मार दिया। एकदम से पिकलो गोकू पर अटैक कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। पिकलो गोकू के चेहरे पर गुस्सा मारता है पर गोकू को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो हंस रहा होता है। पिकलो ये देख के हैरान रह जाता है कि गोकू को उसके अटैक का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। गोकू बोलता है यह अटैक तो मुझे महसूस भी नहीं हुआ, और पिकलो को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो गोकू पे दोबारा अटैक कर देता है। पिकलो गोकू के ऊपर लातों और गुस्से की बरसात कर रहा होता है पर गोकू को ज़रा सा ही फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, और इसी वजह से पिकलो को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। गोकू पिकलो से बोलता है कि पिकलो तुम सीरियसली क्यों नहीं लड़ते, और पिकलो पावर अप करने लग जाता है। पिकलो बोलता है कि अगर तुम्हें सीरियसली लड़ना है तो ये लो, ये मेरा सबसे ताकतवर अटैक होगा, क्या तुम इसे सर्वाइव कर पाओगे। गोकू पिकलो से बोलता है कि पिकलो मुझ पर अपना सबसे ताकतवर अटैक करो, मैं तुम्हारा सबसे ताकतवर अटैक देखना चाहता हूँ, पर ये तुम्हारा आखिरी अटैक होगा अगर तुम इस अटैक से मुझे हरा नहीं पाए तो। पिकलो गोकू से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे अंडर एस्टिमेट करने की। इसके बाद पिकलो गोकू पर अपना सबसे ताकतवर अटैक करता है और एक बहुत जोर का धमाका होता है। ट्रंक्स गोटेन को बचाते हुए सन गोकू से दूर जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी से कोई छुपने की जगह ढूंढनी चाहिए, क्योंकि गोटेन के इंजरीज को ठीक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं सन गोकू से ज़्यादा दूर जा पाऊँगा, मैं ज़्यादा देर उससे छुप नहीं पाऊँगा। पर तभी एकदम से ट्रंक्स के सामने कोई आ जाता है और ट्रंक्स उसे देख के हैरान रह जाता है। धमाके के बाद पिकलो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट लग रहा होता है। वो बोलता है कि चाहे तुम्हें थोड़ा सा ही पेन हुआ हो पर तुम्हें अब समझ आएगा कि गोहान को कितना दर्द हुआ होगा। पर पिकलो देख के हैरान रह जाता है कि गोकू को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा, और गोकू हंस रहा होता है। पिकलो बोलता है कि तुम्हारे को उस अटैक से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, तुम्हें तो बल्कि एक स्क्रैच भी नहीं आया। गोकू बोलता है कि अब ये गेम्स ख़त्म करने का समय आ गया है, मैं इस लड़ाई को ख़त्म कर रहा हूँ। पिकलो को अपनी इतनी कम ताकत पर गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, मैं अब बस थोड़ा सा समय जुटा सकता हूँ। फिर पिकलो सोचता है कि नहीं, अगर मैं अभी से नेगेटिव सोचने लग गया तो मैं बहुत ही ज़्यादा हार जाऊँगा। गोकू पिकलो से बोलता है कि पिकलो हम बहुत लंबे समय से दोस्त रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे को चूज़ करने का मौका दे रहा हूँ कि तुम कैसे मरना चाहोगे, या फिर ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें उसी तरीके से मार देता हूँ जैसे मैंने गोहान को मारा था, क्योंकि मैंने उसे भी कोई चॉइस नहीं दी थी कि उसे कैसे मरना है। मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूँ ताकि तुम इस बारे में सोच सको। इसके बाद गोकू गिनती शुरू कर देता है और पिकलो डर के वहाँ से भागने लग जाता है। पिकलो भागते भागते सोच रहा होता है कि अगर मैं ज़्यादा देर हवा में रहा तो मेरे को जल्दी ही ढूंढ लेगा और मैं ज़्यादा समय भी नहीं जुटा पाऊँगा। इसीलिए पिकलो एकदम से ज़मीन में उतर जाता है और अपनी एनर्जी छुपाने की कोशिश करता है। वो दूर भाग रहा होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा कुछ ज़रूर होगा जो वो अभी भी कर सकता है। पिकलो सोच रहा होता है कि मुझे कुछ ज़रूर सोचना होगा, मुझे अपनी सारी बैटल्स जो मैंने आज तक की हैं उन्हें याद करना होगा, मेरे पास वो सारी नॉलेज भी है जो कामे के पास थी, मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, मैं उम्मीद नहीं खो सकता, मुझे उम्मीद रखनी ही होगी कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। इस समय डंडे क्या करता, ना सिर्फ मैं अपनी ताकत की लिमिट तक पहुंच गया हूं, हम ड्रैगन बॉल्स भी खो सकते हैं। तभी एकदम से पिकलो को कुछ महसूस होता है, गोकू की गिनती पूरी हो चुकी होती है और वो दस्तक पहुंच गया होता है। गोकू बोलता है कि छुपने की कोशिश करना बेकार है, और वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करने ही वाला होता है। तभी उसे एक एनर्जी महसूस होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रंक्स और गोटन के सामने कोई खड़ा होता है और वो शख्स बोलता है कि क्या तुम फ्यूचर से हो। ये शख्स होता है टीएन, और वो ट्रंक्स को फ्यूचर ट्रंक्स समझ रहा होता है, क्योंकि आखिरी बार टीएन ने जब ट्रंक्स को देखा था तो वो फ्यूचर ट्रंक्स था, और इस दुनिया के एडल्ट ट्रंक्स से कभी टीएन मिला ही नहीं। टीएन ट्रंक्स से बोलता है कि मैं तुम्हें एंड्रॉयड्स के अटैक के बाद कभी मिला ही नहीं, तुम कैसे हो, हम तुम्हारी यहाँ पर मदद के लिए आए हैं। ट्रंक्स एकदम से टीएन को पहचान जाता है। वो बोलता है कि तुम टीएन हो और तुम चालसू हो। टीएन बताता है कि क्रेलिन ने उसे सब कुछ बता दिया है कि क्या हो रहा है। ट्रंक्स टीएन और चालसू को गोहान के छोटे भाई गोटेन से मिलवाता है, क्योंकि वो गोटेन को भी नहीं जानता। टीएन ये सुनकर काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि तुम दोनों को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, तुम गोटेन को चालसू को पकड़ा दो। टीएन ट्रंक्स से बोलता है कि क्या तुम मुझे पूरी सिचुएशन बता सकते हो कि क्या हो रहा है, क्योंकि तुम दोनों की हालत को देख के लग रहा है कि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। सच बताऊँ तो मैंने माजिन बू की लड़ाई के बाद कभी भी लड़ाई नहीं करी है, और इस बार ये सिचुएशन काफ़ी अलग है। गोकू के अंदर से जो ईवल एनर्जी निकल रही है वो पूरी धरती पे फैली हुई है। मैंने ऐसी एनर्जी पहले कभी महसूस नहीं करी है, और ये काफ़ी अजीब सी एनर्जी है। आखिर गोकू के साथ हो क्या गया है। फिर ट्रंक्स टीएन को पूरी कहानी बताता है और बताता है कि उसने माजिन बू, वेजिटा, गोहान और उप सभी को मार दिया है। ट्रंक्स बताता है कि गोकू की पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी है, उसने अपने सभी दोस्तों को मार दिया है, उसने अपने बेटे सन गोहान तक को मार दिया है, अब वो गोकू नहीं रहा है, अब वो कैकोरोट है। टीएन ट्रंक्स से पूछता है कि इस वक्त सन गोकू से कौन लड़ रहा है। ट्रंक्स बताता है कि गोकू से इस वक्त पिकलो लड़ रहा है, उसने बोला है कि मैं गोटेन और अपनी मॉम को लेकर कामे के प्लेस पे जाऊं, ताकि वहां पर हम छुप सकें। गोकू हर लड़ाई के साथ और ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है, वो अभी तक धरती के सभी लोगों का बहुत अच्छा दोस्त बन के रहा है, पर अब वो धरती का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है।
मेरे हिसाब से आज धरती पे ह्यूमन रेस का और इस धरती का अंत होने वाला है। टीएन बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर मैं लड़ाई में तुम लोगों की ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि गोकू वहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ करके आ जाता है। वह बोलता है कि टीएन, चालसू, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। गोकू ट्रंक्स को बोलता है कि ट्रंक्स, इस बारे में तुम्हें मार के ही रहूँगा और इस बारी गोटन भी मरेगा, इस बारे में तुम सभी को एक साथ ही मार दूंगा। गोकू उन लोगों पर अटैक करने ही वाला होता है। ट्रंक्स तभी टीएन और चालसू से बोलता है कि एटलीस्ट तुम गोटन को लेकर यहाँ से भाग जाओ। टीएन बोलता है कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हम लोग जादू नहीं भाग पाएंगे। जैसे ही गोकू सभी पर अटैक करने वाला होता है, ट्रंक्स एकदम से सभी को बचाने के लिए उड़ जाता है। वो बोलता है कि मैं गोकू को रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग अपनी और गोकू की जान बचाओ। ट्रंक्स गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है और खिंचाके से गुस्सा मारने ही वाला होता है, पर गोकू ट्रंक्स के अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है और उसे खिंचाके उसकी गर्दन पर बहुत जोर की लात मारता है। ट्रंक्स की गर्दन इस अटैक की वजह से टूट जाती है और वो ज़मीन पर गिरने ही वाला होता है। गोकू ट्रंक्स को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी वहाँ पर अचानक से पिकलो आ जाता है और एकदम से आके गोकू को बहुत जोर की लात मारता है। टीएन और चालसू पिकलो को देख के बहुत खुश होते हैं। टीएन चालसू को बोलता है कि अपनी साइकिक ताकत से जल्दी से ट्रंक्स को पकड़े। टीएन ट्रंक्स को उठाने ही वाला होता है, तभी पिकलो बोलता है कि ट्रंक्स को ऐसे मत उठाओ, उसकी गर्दन टूट चुकी है, अगर तुम ऐसे उठाओगे तो उसे नुकसान होगा, तुम्हें इसे ऐसे ही साइकिक ताकत से लेके जाना होगा। इन दोनों की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, इन दोनों को बहुत संभाल के लेके जाना। पिकलो टीएन और चालसू को बोलता है कि जल्दी से इन दोनों को लेके जाओ, संगोकू आने ही वाला होगा, इन दोनों को जल्दी से कामे के प्लेस पे लेके जाओ, ये दोनों इस वक्त दुनिया की आखिरी उम्मीद हैं। टीएन पिकलो को मुड़ के देखता है और बोलता है कि पिकलो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें शायद विश्वास नहीं होगा, पर मैंने गुहान को देखा था, वो भी जिंदा है। और वो पिकलो को बोलता है कि पिकलो, तुम इस चीज़ की टेंशन मत लेना, हम इन दोनों को कामे के प्लेस से जल्दी ही पहुँचा देंगे। टीएन चालसू को बोलता है कि चालसू, अब चाहे जो भी हो जाए, तुम पीछे मुड़ के मत देखना। और वो दोनों तेज़ी से कामे के प्लेस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। पिकलो अपने मन में बोल रहा होता है, इस वक्त हमारे पास बहुत ही कम उम्मीद है, पर अभी उम्मीद बाकी है। तभी गोकू पिकलो के पास आ जाता है और पिकलो गोकू से बोलता है, आओ सन गोकू, मेरे साथ अपनी पूरी ताकत से लड़ो। गोकू पिकलो से बोलता है कि पिकलो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें छुपे ही रहना चाहिए था। पिकलो गोकू का मजाक उड़ाता है और बोलता है कि अगर मैं छुपा हुआ रहूँगा तो मैं तुम्हें हराऊंगा कैसे। इसके बाद पिकलो और गोकू दोनों एक दूसरे की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं। गोकू पिकलो से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। पिकलो गोकू से बोलता है कि धरती की ताकत को कभी कम मत समझना सन गोकू। पिकलो गोकू को गुस्सा मारने वाला होता है और गोकू उस गुस्से को बड़े आराम से देख सकता है। गोकू पिकलो से बोलता है कि पिकलो, तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो। गोकू को लग रहा होता है कि वो पिकलो के अटैक को बड़े आराम से झेल सकता है, पर गोकू को नहीं पता कि पिकलो को एक नई ट्रिक मिल गई है और वो गोकू को इतना ज़ोरदार गुस्सा मारता है कि गोकू उस अटैक के ताकत की वजह से पीछे हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर पिकलो के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत कैसे आ गई, वो एक सेकंड में इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। गोकू पिकलो से बोलता है कि पिकलो, तुम्हारी ताकत काफ़ी जल्दी नॉर्मल लेवल तक पहुंच गई है। गोकू पिकलो से बोलता है कि पिकलो, आखिर तुमने क्या किया है। पिकलो गोकू से बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए गोकू, तुम्हारा ध्यान एक सेकंड के लिए बटा और मैंने तुम्हें घूसा मार दिया, लगता है कि तुम्हारी ताकत कम हो रही है। गोकू पिकलो से बोलता है कि पिकलो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुमने ये कैसे किया, पर ये एक लकी शॉट था और इससे हमारी लड़ाई का नतीजा बदलने नहीं वाला, तो तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल पिकलो एक नई तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब धरती के सबसे ताकतवर वॉरियर और धरती की आखिरी उम्मीद में लड़ाई छिड़ गई है। दुनिया ने कैकरोट जैसा बड़ा खतरा कभी नहीं देखा है। पिकलो को आखिरकार एक ऐसा तरीका मिल गया है जिससे वो सनगोकू से लड़ सकता है। आखिरकार अब ड्रैगन वर्ल्ड के साथ क्या होने वाला है। टीएन और चालसू ट्रंक्स और गोटेन को अपने साथ लेके जा रहे हैं ताकि वो उसे कामेसामा के प्लेस तक पहुँचा सकें और उन दोनों की जान बच सके, क्योंकि वो इस वक्त धरती की आखिरी उम्मीद हैं, क्योंकि गोकू का सामना कर सकते हैं। और पिकलो को आखिरकार एक तरीका मिल चुका है जिससे वो गोकू से लड़ सकता है। एक समय ऐसा लग रहा था कि गोकू की ताकत के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, पर अब पिकलो न सिर्फ गोकू का सामना कर रहा है और उसे नुकसान पहुंचाने में भी कामयाब हो रहा है। पिकलो के अटैक से गोकू को सच में चोट पहुंच रही है। पिकलो की ताकत गोकू को सोचने पर मजबूर कर देती है। वो सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, पिकलो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, पिकलो जैसा शख्स मुझे इतना नुकसान कैसे पहुँचा सकता है, कहीं वो कायोकेन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे और वेजिटा के अलावा कायोकेन का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। और वैसे भी अगर उसे कायोकेन आता तो उसके पास कोई भी रीज़न नहीं था कि वो आज तक मुझसे ये बात छुपा के रखता। इसके बाद गोकू सोचता है कि मैं इस बारे में जितना सोच रहा हूँ उतना ही मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है, पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी कॉम्बैट की पावर अभी भी पिकलो से ज़्यादा है, मुझे कुछ नहीं करना, बस उसे जल्दी से मार देना है इससे पहले कि वो मुझे और ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। पिकलो बहुत ज़्यादा गुस्से में गोकू को देख रहा होता है और गोकू बोलता है कि क्या हुआ, चलो इस लड़ाई को दोबारा शुरू करते हैं। फिर गोकू पिकलो से बोलता है कि पिकलो, तुम आखिर क्या सोच रहे हो। पिकलो गोकू से बोलता है कि गोकू, मैं बस ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें कुछ नया दिखाना चाहता हूँ।
गोकू बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया पिकलो, मैं अभी तक ये तो नहीं समझा हूँ कि तुमने इतनी जल्दी इम्प्रूव कैसे कर लिया, पर मुझे मानना पड़ेगा। गोकू बोलता है कि तुम मुझे कुछ नया दिखाना चाहते हो, मुझसे मजाक मत करो, वैसे भी मैंने अपना प्लान अब चेंज कर दिया है, अब मैं सबसे पहले तुम्हें नहीं ट्रंक्स को मारूंगा। पिकलो गोकू से बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो बस तुम मुझे देखते रहो, मुझे ध्यान से देखना गोकू, अगर तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है तो। इसके बाद पिकलो पावर अप करने लग जाता है। गोकू बोलता है कि ठीक है पिकलो, दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद पिकलो अपनी सारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है, और गोकू सोच रहा होता है कहीं वो कायोकेन का इस्तेमाल तो नहीं करने वाला। पिकलो अभी भी अपनी पावर कॉन्सेंट्रेट करने में लगा हुआ होता है, और गोकू सोच रहा होता है कि इस समय मैं पिकलो को हराने की स्टेट में नहीं हूँ, मैं अपनी इस हालत में पिकलो को स्क्रैच भी नहीं कर पा रहा हूँ, और वो मुझे डैमेज पे डैमेज दिए जा रहा है, ज़रूर कुछ होगा जो मैं उसके खिलाफ कर सकता हूँ। इसके बाद पिकलो अपनी पूरी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर लेता है, वो बोलता है कि चलो लड़ाई दोबारा शुरू करते हैं, क्या तुम तैयार हो। गोकू बोलता है कि पिकलो आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। पिकलो बोलता है कि मेरा प्लान बहुत सिंपल है, और वो है तुम्हें मारना। इसके बाद पिकलो गोकू पे अटैक कर देता है। गोकू अपने एक हाथ से पिकलो के अटैक को रोकता है, पर उसे ये अटैक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। गोकू सोचने लग जाता है कि आखिर पिकलो के अटैक में इतनी ताकत कैसे आ गई। पिकलो गोकू पे अटैक जारी रखता है, और गोकू अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर इसका अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, पिकलो की कॉम्बैट पावर जरा सी भी नहीं बढ़ी है, तो उसके अटैक इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो रहे हैं। पिकलो गोकू पे अटैक जारी रखता है। पिकलो लगातार गोकू पे अटैक कर रहा होता है, और गोकू अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है। इस वक्त हम देख के क्लियरली समझ सकते हैं कि पिकलो के खिलाफ गोकू को काफ़ी दिक्कत आ रही है। गोकू पिकलो के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। गोकू सोच रहा होता है कि इस वक्त मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, मुझे जो भी फील हो रहा है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। मुझे पता है कि मैं थोड़ी देर पहले तक पिकलो की बॉडी को बस छूते ही तबाह कर सकता था, और उसके अटैक अब मुझे लग रहे हैं और नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। मुझे ये पता है कि वो कायोकेन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हम दोनों के बीच में पावर का बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो सिर्फ ट्रेनिंग से पूरा नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो सिर्फ ट्रेनिंग से मेरे लेवल तक पहुंच जाए। आखिर चंद मिनटों में ऐसा कैसे हो सकता है कि पिकलो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। पिकलो गोकू से बोलता है कि आखिर तुम मेरी ताकत को समझ ही गए। गोकू पिकलो को बोलता है कि मैं तुम्हारी ताकत को सच में मान गया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसा कोई मुझे ऐसी फाइट दे सकता है, पर अब मुझे ये बताओ कि तुम रुक क्यों गए हो। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है मुझे नुकसान पहुँचाने की वजह से। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से तुम खुद को भी नुकसान पहुँचा रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि इस टेक्निक की वजह से तुम्हारी बॉडी का स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है। गोकू बोलता है कि पर मैं अभी भी लड़ाई कर सकता हूँ, और इसके बाद वो पिकलो पर अटैक कर देता है। ऐसा लग रहा होता है कि पिकलो की स्ट्रगल दोबारा से शुरू हो गई है। गोकू पिकलो को बोलता है कि पिकलो कोई गड़बड़ हो गई है क्या, अब तुम पहले की तरह क्यों नहीं लड़ रहे हो, अब तुम मुझ पर अटैक भी नहीं कर पा रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ ना। गोकू पिकलो को बोलता है कि ये तुम्हारा अंत है, और उस पर एक बहुत ज़ोरदार गुस्सा मारता है, पर पिकलो किसी तरीके से गोकू के अटैक को सही समय पर रोक लेता है, और गोकू हैरान रह जाता है। पिकलो गोकू को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है, और गोकू ज़मीन से जाके बहुत ज़ोर से टकराता है। पिकलो गोकू को देखने लग जाता है, वो सोच रहा होता है कि मैं इस वक्त सिर्फ समय जुटा रहा हूँ, तुम्हारे प्लान की वजह से मुझ पर बहुत बर्डन पड़ रहा है कामे। फिर हम देखते हैं कि आखिर पिकलो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। गोकू ने जब पिकलो को 10 सेकंड दिए थे और पिकलो डर के मारे भाग गया था, तब उस टाइम वो सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो गोकू को हरा पाए। वो सोचता है कि ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे वो गोकू को हरा पाएगा। इसके बाद पिकलो अपनी सारी पुरानी बैटल्स को याद करने लग जाता है, और सोच रहा होता है कि शायद उससे उसे कुछ हिंट मिल जाए। पिकलो अपने दिमाग को टटोल रहा होता है और सोच रहा होता है कि कोई तो तरीका होगा। आखिरकार बहुत सोचने के बावजूद भी उसे कुछ तरीका नहीं मिल रहा होता। तभी उसके दिमाग में एक इमेज बनने लग जाती है, और वो इमेज होती है कामे की। पिकलो कामे के साथ जब से फ्यूज़ हुआ होता है उसके बाद वो पहली बार उसे देख रहा होता है, और उसे देख के वो हैरान रह जाता है। पिकलो सोच रहा होता है कि आखिर ये सच कैसे हो सकता है, कामे को मेरे साथ फ्यूज़ हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो मेरे साथ आके कैसे खड़ा हो सकता है। कामे पिकलो को बोलता है कि पिकलो काफ़ी लंबा समय हो गया है मैंने तुम्हें नहीं देखा, या फिर मुझे कहना चाहिए डीमन किंग पिकलो। नहीं, मेरे ख्याल से पिकलो कामे कहना सही रहेगा। कामे पिकलो को बोलता है कि पिकलो तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हो। पिकलो पूछता है कि क्या। कामे बोलता है कि तुम भूल चुके हो, पर मैं और तुम एक ही हैं, मेरे सभी थॉट्स तुम्हारे हैं और तुम जल्दी ही समझ जाओगे। पिकलो सोचने लग जाता है कि मैं क्या भूल रहा हूँ, आखिर तुम बोलना क्या चाहते थे, मैं क्या नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे जवाब दो कामे। तभी कामे वहाँ से चला जाता है, और तभी पिकलो को एक विजन आने लग जाती है। उसे अपनी विजन में एक सयन की टेल दिखती है, और उसे महसूस होता है कि ये कौन है। पिकलो बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये विजन सनगोकू के भाई की है। पिकलो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे आखिर ये फाइट क्यों दिख रही है, कामे मुझे आखिर क्या बताना चाहता है, कामे आखिर सोच क्या रहा है। ये सब कुछ उस समय हुआ था जब गोकू ट्रंक्स के पास गया था और उसकी गर्दन तोड़ दी थी।
और ये चीज़ जितनी दूर से पिकलो ने भी महसूस कर ली थी। वो सोचता है कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे वहाँ पे बिना स्ट्रेटेजी के ही जाना होगा और गोगू से लड़ना होगा, चाहे मेरी अब मौत ही क्यों ना हो जाए। तभी पिकलो को याद आता है कि उसने रेडिस के खिलाफ क्या किया था। उसे याद आता है कि उसने अपनी सारी एनर्जी को अपनी फिंगर टिप्स पर कॉन्सेंट्रेट किया था और रेडिट्स को मारने के लिए उसने ये स्ट्रेटेजी यूज़ करी थी, जिसके बाद वो रेडिट्स को हराने में कामयाब रहा था। पिकलो सोचता है कि स्पेशल बीम कैनन यानी कि कामिया का प्लान ये है। पिकलो बोलता है कि ये बात तो सही है कि ये अटैक उन अपोनेंट्स के खिलाफ अच्छा चलता है जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं। पिकलो कामिया के प्लान से खुश होता है। वो बोलता है कि कामिया बहुत ही अच्छा प्लान है, मैं ये प्लान खुद सोच ही नहीं सकता था। पिकलो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब वो सनगोकू को हरा सकता है, पर तभी गोकू उस पर हमला कर देता है। पिकलो भले ही गोकू से लड़ने लायक हो गया है, पर गोकू की ताकत अभी भी बहुत ज़्यादा है। पिकलो अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी के एक पार्ट में कॉन्सेंट्रेट करके लड़ रहा है और ये तरीका गोकू के खिलाफ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। पिकलो जानता है कि जैसा उसने सोचा था सब कुछ वैसा नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कि टीएन और चार्ल्सू ट्रंक्स और गोटेन को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं और जल्दी से कामे के प्लेस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं। चार्ल्सू टीएन से पूछता है कि टीएन जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते से हमारे को कामे के लुकआउट तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आखिर हम इस रास्ते का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। टीएन चार्ल्सू से बोलता है कि चार्ल्सू मैं जानता हूँ कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, पर गोटेन और ट्रंक्स को सेफ रखने के लिए ये रास्ता ज़रूरी है। अगर हम छोटे रास्ते से गए तो गोकू हमें ढूंढ सकता है। चार्ल्सू बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया। फिर टीएन चार्ल्सू से बोलता है कि चार्ल्सू हमें और तेज़ी से जाना होगा, और फिर टीएन और चार्ल्सू गोटेन और ट्रंक्स को लेकर और तेज़ी से निकल जाते हैं। तभी टीएन को महसूस होता है कि गोकू की एनर्जी और ज़्यादा खतरनाक हो गई है और टीएन और चार्ल्सू ज़मीन पर उतर जाते हैं। टीएन चार्ल्सू को बोलता है कि अब यहाँ से हमारे को और तेज़ी से जाना होगा क्योंकि सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ गई है। टीएन चार्ल्सू से बोलता है कि चार्ल्सू हमें जल्दी करनी होगी, हमारे को अपनी की भी दबाए रखनी होगी। गोटेन और ट्रंक्स की कमज़ोर होती जा रही है, खासकर की ट्रंक्स की। टीएन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये दोनों बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पर मैं जानता हूँ कि इतनी जल्दी नहीं मरेंगे, सैयंस की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू पिकलो को देखता है और हंसता है। गोकू पिकलो से बोलता है कि पिकलो इस फाइट से मुझे एक बात पता चली है, तुम्हारी ताकत के हिसाब से तुम मुझे छू भी नहीं सकते, पर किसी तरीके से तुम मुझे अटैक कर रहे हो और वो अटैक मुझे लग भी रहे हैं। तुम्हारा छोटा सा छोटा अटैक मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझ पर कोई कामेहामेहा वेव यूज़ कर रहा हो। मुझे बताओ कि तुम अपनी एनर्जी थोड़ी देर के लिए बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो। पिकलो गोकू से बोलता है कि गोकू जो तुम्हें लग रहा है वो गलत है। गोकू बोलता है कि मुझे तुम्हें दोबारा समझाने दो, मुझे लगता है कि तुम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हो वो कायोकिन की तरह है जिससे तुम अपनी की और अटैक की ताकत बढ़ा रहे हो। पिकलो इस बात पर हंसता है। पिकलो एकदम से गोकू पर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम जो भी सोच रहे हो वो गलत है। किंकाई अपने प्लैनेट से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि पिकलो ने गोकू को अभी तक अच्छी फाइट दी है, पर ऐसा लग रहा है कि पिकलो अपनी सारी ट्रिक्स यूज़ कर चुका है, पर पिकलो को अभी और ज़्यादा समय जुटाना होगा क्योंकि वो दोनों लड़के धरती की आखिरी उम्मीद हैं और पिकलो अभी हार नहीं मान सकता। पिकलो गोकू पर लगातार अटैक करे जा रहा होता है और गोकू पिकलो के अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। पिकलो गोकू के पेट में बहुत जोर के घूंसा मारता है, पर गोकू एकदम से पिकलो के हाथ को पकड़ लेता है। गोकू बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। पिकलो बोलता है कि गोकू मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो, मैं एक नेमेकिन हूँ। पिकलो एकदम से अपने हाथ की लेंथ बढ़ा देता है और पिकलो का गुस्सा एकदम से गोकू के पेट में जाके लगता है। गोकू को इस अटैक से बहुत ज़्यादा डैमेज मिलता है। गोकू समझ ही नहीं पा रहा होता। वो बोलता है मैं इतना ज़्यादा ताकतवर होकर भी पिकलो से कैसे डैमेज ले रहा हूँ। पिकलो अपने मन में सोच रहा होता है कि गोकू जब तक मेरे फाइटिंग का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा है मैं और ज़्यादा टाइम जुटा सकता हूँ, पर यह मेरे लिए आसान नहीं होने वाला क्योंकि हम दोनों की ताकत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और जैसे ही मैं थक जाऊँगा वैसे ही लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। पिकलो अपने मन में फिर से सोचता है कि गोकू क्या तुम्हें अभी तक भी मेरी टेक्निक समझ नहीं आई, ये मेरी पावर कॉन्सेंट्रेशन की टेक्निक है। पिकलो लगातार गोकू पर अटैक किया जा रहा होता है और गोकू पिकलो के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। पिकलो बोलता है कि मेरी टेक्निक का राज है स्पेशल बीम कैनन। स्पेशल बीम कैनन में हम पूरी बॉडी की को अपनी फिंगर टिप्स पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं और ये टेक्निक उन लोगों को हराने के लिए बहुत अच्छी है जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। मैंने ये टेक्निक गोकू के भाई रेडिट्स के खिलाफ इस्तेमाल करी थी क्योंकि वो उस समय हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर था। पावर कॉन्सेंट्रेशन की टेक्निक भी स्पेशल बीम कैनन की तरह ही है। इसमें हम बॉडी की सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं और बॉडी के एक पार्ट में भेज देते हैं, चाहे वो हम अटैक कर रहे हों और चाहे डिफेंस। एक तरह से कहा जाए तो इस टेक्निक में हम अपनी पावर को पूरी बॉडी में मूव कर सकते हैं और हमारा ओपोनेंट इस चीज़ को कभी नोटिस भी नहीं कर पाता। ये टेक्निक काफ़ी कुछ कायोकैन इनटू 10 की तरह है जो गोकू ने फ्रीजा के खिलाफ इस्तेमाल करी थी। ये सारी बात पिकलो के मन में चल रही होती है और किंग का ये बात सुन रहे होते हैं और वो पिकलो की टेक्निक का राह समझ जाते हैं। वो बोलते हैं कि भले ही ये टेक्निक कायोकैन इनटू 10 की तरह है
पर दोनों टेक्निक काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। पावर कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक में बॉडी का एक या दो पार्ट ही ताकतवर हो पाते हैं, पर कायोकन पूरी बॉडी की एनर्जी को बढ़ा देता है। पिकलो अपने मन में बोलता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ एक बॉडी पार्ट की पावर को बढ़ाती है और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। जब हम पूरी बॉडी की एनर्जी को बॉडी के एक पार्ट में भेज देते हैं तो बाकी सारे पार्ट एकदम डिफेंसलेस हो जाते हैं और उनमें जरा सी भी की नहीं बचती। अगर मैं उस समय गोकू पर अटैक कर रहा हूँ और मेरा अटैक फेल हो गया, और अगर उस समय गोकू ने मुझ पर अटैक कर दिया, तो मैं उस समय बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाऊँगा। और इस टेक्निक को यूज़ करने में मेंटल और फिजिकल स्टैमिना भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। गोकू अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने पिकलो को हराने के लिए कोई तरीका जल्दी नहीं सोचा तो मैं पिकलो से हार जाऊँगा। गोकू एकदम से पिकलो पर अटैक करने के लिए अपनी की चार्ज करता है और बहुत तेज़ी से जाके एकदम से पिकलो पर अटैक कर देता है। पिकलो गोकू की स्पीड को देख ही नहीं पाता। गोकू पिकलो पर अटैक करने में कामयाब तो हो जाता है, पर पिकलो अपनी टेक्निक से खुद को बचा लेता है। वो बोलता है, ये तो बहुत ही खतरनाक अटैक था और गोकू ने मुझ पर यह अटैक अचानक से ही कर दिया। अब आखिर वो कहाँ चला गया है? गोकू सोच रहा होता है कि उसके अटैक से पिकलो को कोई फ़र्क पड़ा या नहीं, या फिर पिकलो गोकू को सही समय पर देखने में कामयाब हो गया था। तभी पिकलो की नज़र से एकदम गोकू गायब हो जाता है। पिकलो अपनी पूरी एनर्जी को अपनी आँखों में ट्रांसफ़र करता है और आखिरकार गोकू को देखने में कामयाब हो जाता है। गोकू एकदम से रुक जाता है और एकदम से पिकलो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर पिकलो गोकू के अटैक से बचने के लिए अपनी सारी एनर्जी को अपने हाथों में ट्रांसफ़र कर लेता है और गोकू के अटैक से बच जाता है। पर गोकू में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो एकदम से दोबारा उड़ जाता है और पिकलो सोच रहा होता है कि लगता है गोकू को उसकी एनर्जी का राज पता चल गया है। गोकू पिकलो पर दोबारा अटैक कर देता है, पर पिकलो गोकू से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। पिकलो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अपनी फुल पावर वाली स्टेट को मेंटेन करना होगा, क्योंकि पावर कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक को यूज़ करने के लिए उसकी एनर्जी हर बार ज़्यादा लग रही है। ये टेक्निक भले ही उन लोगों के खिलाफ अच्छी है जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, पर यह कायोकेन की तरह नहीं है। कायोकेन को ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टेक्निक उसके मुकाबले काफ़ी ख़राब है। कायोकेन की तरह ही ये टेक्निक अपने अपोनेंट्स को एक बारी में हरा देने के लिए अच्छी है, पर जो अपोनेंट ज़्यादा ताकतवर होते हैं उनके सामने हारने का एक बहुत अच्छा चांस होता है। आखिरकार ये टेक्निक एक अधूरी टेक्निक है जिसे मैंने बनाया है। पिकलो बोलता है कि मैं इस वक्त जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं सन गोकू को नहीं हरा सकता क्योंकि मेरा पावर लेवल बहुत ज़्यादा कम है। मैं बस थोड़ा समय ही जुटा सकता हूँ। आखिर पिकलो लड़ने के लिए दोबारा बाहर आ जाता है और गोकू के सामने खड़ा होता है। गोकू बोलता है, तो क्या तुम अब मुझसे अपनी सीक्रेट पावर नहीं छुपाओगे? पिकलो बोलता है कि चलो दूसरा राउंड चालू करते हैं, मुझे अभी और समय जुटाना होगा गुहान को ज़िंदा रखने के लिए। तभी हम देखते हैं कि आखिरकार वेजिटा को होश आ गया है। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। मैं जानता हूँ कि ये स्टोरी पूरी नहीं है, पर मैंने कुछ समय पहले यंग जीजी का एक ट्वीट देखा था जहाँ पर उन्होंने बोला था कि वो स्टोरी लाइन को कंप्लीट करेंगी, पर वो स्टोरी कब कंप्लीट होगी ये हमें नहीं पता। पर आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं भी इस स्टोरी को कंप्लीट करने पर काम कर रहा हूँ और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए इसके बारे में भी वीडियो लेकर आऊँगा। अभी मैं कमिट नहीं कर सकता कि वो पार्ट कब आएगा, पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो पार्ट ज़रूर आएगा। मुझे उम्मीद है कि जब तक आप पेशेंस रखेंगे ताकि हम स्टोरी लाइन को कंप्लीट कर सकें। फिलहाल दोस्तों, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।